ब्रह्मरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उनके नाम पे पूजा करवाई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिका नमोस्तुते। साहब रेडी हैं क्या? एक मिनट रुको। साहब क्या है कि फ्लैश काम नहीं कर रहा है। मां जरा यहां आना तो। पिताजी के नाम से मंदिर में पूजा करवाई, ये प्रसाद उन्हें दे दो। ये लीजिए भगवान का प्रसाद। किसने लाया? आपका जन्मदिन है ना, हमारे गांव में किसी ने आपके नाम से अर्चना करवाई थी। साहब फ्लैश रेडी है। साहब सब लोग आ गए हैं ना? हाँ सब आ गए हैं। सुनिए हमारे भानु प्रसाद। मेरे खानदान से संबंधित सभी आ गए हैं, जल्दी निकालो। गांव में मंदिर बनवा के जनता का कितना अच्छा किया आपने। इंसान के लिए 100 साल, प्रतिष्ठा के लिए 1000 साल कहा बुजुर्गों ने। क्या प्रतिष्ठा, हमारे गांव में उचित वैद्यशाला बनवाने के लिए हमारे पिताजी और दादाजी ने प्रयत्न किए हैं। उनके काल में तो वो नहीं पूरा हुआ, कम से कम हमारे काल में वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं? जरूर पूरा होगा, आप चाहे और वो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब नारायण आया है। नमस्ते साहब। हाँ आओ नारायण, तुम्हारी बेटी की शादी कल है ना वसुंधरा? सब तैयार करके रखा है जी। वैसे अकेले ही आए हो, दुल्हन को लेके नहीं आए? आपके हाथों दिए गए मंगल सूत्र के बदले उसके गले में फांसी डाल के ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? रोज की तरह मेरी बेटी आज भी सिंहराज के घर गई थी काम पे साहब। इस मिट्टी ने तुम्हें सब कुछ दिया सिंहराज, पर ऐसी लड़की नहीं दिया। आज इस लड़की को मैं इत्र लगाऊंगा। मालिक। क्यों रे, 2 दिनों में तेरी शादी है ना? हाँ मालिक। तो फिर सब सीख लिया क्या? मतलब? वही रे, सुहाग रात में बहुत कुछ करते हैं ना, वो सब कुछ तूने सीखा कि नहीं? ये क्या कर रहे हैं मालिक? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे सिनेमा शुरू होने से पहले विज्ञापन आता है ना। मालिक छोड़ दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ने को मत कहो। मेरा सिर फोड़ दिया इसने। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, अब तो पंचायत के सामने फैसला होगा देख लेना। पंचायत बुलाने के लिए मेरी बेटी भागती हुई आ रही थी, सिंहराज के घर से जेवर चोरी करने का इल्जाम लगाकर पुलिस ले गए। ए चल अंदर, अंदर चलो। साहब मेरा यकीन कीजिए। चल अंदर। एक दिन बाद जिस लड़की की शादी थी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो मेरी और मेरी बीवी को जहर खाकर मरना पड़ेगा साहब। रामदास साहब, कौन है वो इंस्पेक्टर? कोई नया आया है। स्टेशन जाकर उस लड़के को छोड़ने के लिए कहो। ऑर्डर देने वाला हरिचंद प्रसाद है कौन? एसपी है या डीएसपी है, कौन है? गांव की पंचायत में बैठने वाला पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है और वो कहाँ है? चल जा। जैसा आपने कहा था वैसे ही किया है सर। शाबाश, तुम्हारे काम के पैसे तैयार हैं, आकर ले जाओ। ठीक है सर। मैंने सुना तुमने कानून पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुमने कानून? सेक्शन 51 के तहत लड़की को अरेस्ट किया तो 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना पड़ता है, ये पता था तुझे? हाँ क्या पता है तुझे कानून? सेक्शन 52 और 53 के तहत लड़की का गुनाह साबित नहीं हुआ तो 6 बजे के बाद उसे लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। सेक्शन 54 और 55 के तहत लड़की के साथ लेडीज कांस्टेबल को रखना पड़ता है। सेक्शन 56 और 57 के तहत लेडीज को लेडीज ही गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा किया था और तू मुझसे कानून की बात करता है?
इंडियन पीनल कोड मतलब तेरे घर का कोड नहीं है, जो मन चाहा वो कर लिया। ये रूल्स और रेगुलेशंस अब कोर्ट में जाके दिखाना। हे, ये केस कोर्ट तक जाएगा तो मैं कोर्ट आऊंगा। रामदास, एसपी को फोन करो। नंबर 384868। एसपी जी है क्या? नमस्ते साहब, मैं हरिश्चंद्र जी का पीए बोल रहा हूँ। साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, मैं आपके स्टेशन से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऐसा है कुछ रूल्स के बारे में बात कर रहा है। आप स्टेशन में क्यों आए, उसे फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। सर। क्यों भाई, तुम्हें अकल नहीं है क्या? स्टेशन में किसे बुलाया तुमने पता है? वो अपने आप में हाई कोर्ट है। उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाना मतलब AK-47 से पीठ खुजाने जैसा है। वो जैसा कहते हैं सुन के, जैसा कहते वैसा करो। यस सर। पापा, आपके ऊपर पंचायत बिठाने वाले हैं। क्या रे, देखो कैसे पगड़ी पहन के पोज देते हुए खड़े हैं, किसी काम के नहीं। जितना चाहिए उतनी जायदाद दिया, कंप्यूटर जैसा ब्रेन दिया, लेकिन इज्जत नहीं दिया ना। उसे कवर करने के लिए सेंट लगाते रहता हूं। गांव की जनता हरिश्चंद्र प्रसाद को जितनी इज्जत देती है, उसका 1% भी सिंहराज को नहीं देती है। ओए सुनो, तुम लोग पहले मर गए इसीलिए बच गए, नहीं तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता। थू। हरीश चंद्र प्रसाद खुद हाईकोर्ट के समान है, ऐसा हमारे कलीग कहते हैं। उस हाईकोर्ट के जज को देखने का सौभाग्य हमें अप्राप्त हुआ है। उस हाईकोर्ट के जज आप हैं, आप ऐसा मत बोलिए। ये मेरा बड़ा बेटा है, रवि प्रसाद, डॉक्टर है। वो हमारी बड़ी बहू है। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा दूसरा बेटा है, दिवाकर प्रसाद, इंजीनियर की पढ़ाई की, कॉटन मिल चला रहा है। हाँ। ये हमारी दूसरी बहू। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी पोतियां हैं, ये बड़े की बेटी है और ये छोटे की। जज साहब को नमस्ते करो बेटा। नमस्ते दादाजी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब बची है मेरी इकलौती बेटी शांति, बीए किया है, इस साल इसकी शादी करवाने का सोच रहे हैं। नमस्ते। सदा सुखी रहो। देखिए, मैं जज की हैसियत से नहीं आया हूँ, रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरा मित्र दक्षिणामूर्ति हाईकोर्ट का जज है, उसका बेटा है वेणुगोपाल, आईटी कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, कोई बुरी आदत नहीं है उसमें। दक्षिणामूर्ति जी आपके घर में रिश्ता करना चाहते हैं और उसी की बात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। उनके बारे में मैंने सुना है, उनके घर में मेरी बेटी को बहू बना के भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। रिवाज के अनुसार उन्हें मेरे घर आने को कही है, फिर आगे की बात करेंगे। बात करने वाली बात क्या है, भगवान जैसे परिवार में भगवान ही होते हैं, भूत नहीं होते। अब उन्हें सीधा सगाई पर ही बुलाऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, खाना खा के जाइए। एक मिनट। हाँ, कम गम कम कम। किसकी राह देख रही हो? वो हमारा भानु प्रसाद। यहाँ पर शुभ कार्य की बात हो रही है, तुम अशुभ की राह मत देखो। अरे भानु, हमारे घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, वो गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं, तुम जाकर उसे साफ कर दो। कौन आ रहा है भाभी? वो जानने के बाद भी तुम क्या कर लोगे, जो कहा है जाकर करो। चले 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 चलो। कौन आ रहा है भाई? पता करके क्या कर लोगे? ऐसा कहा मैंने पूछा तो। वैसे कोई भी आएगा तो उससे हमें क्या, उन्होंने जो कहा है वही हमें करना है। आने वाले तो कोई बड़े लोग ही होंगे, नहीं तो गेस्ट हाउस में क्यों रहने को कहते। हो हो, रो मत। चलो 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 चलो। अरे दीदी, बच्चा रो रहा है, भूख लग रही होगी, वो देखो ना। बच्चे को मैं देखूंगी तो इन बतखों को कौन देखेगा? अरे इन सबको हम देख लेंगे। तुम पेड़ के उस तरफ जाके दूध दो। हाँ। राजू, लकड़ी लो, लकड़ी लो। चलो चलो चलो। ठीक है भाई, गुड जॉब। क्वैक 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 क्वैक। चलो 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 चलो। क्वैक 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 रास्ते से हटो। भाई हमें नहीं,
बत्तख को कहा। हमें पता है लेकिन बत्तखों को नहीं पता है। थोड़ा भी जनरल नॉलेज नहीं है क्या इस लड़की में? जनरल नॉलेज तुझे भी पता नहीं है। बत्तख वाले हट ही नहीं रहे, जाकर देखिए ना। ठीक है। अरे ओ भाई, नई बीवी को सिनेमा लेकर जा रहे हो क्या? ऐसे बत्तखों को रोड के बीच में क्यों आराम से ले जा रहे हो? बगल में हटाओ इन्हें। We don't know why is matter. We are brahmacharis. भाई, इन बत्तखों का क्या करोगे? इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करवा के कंप्यूटर सिखाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? टेम्पल स्टेप्स राइस पिस्की। मतलब? गुडी मेटल नौका राजू। अंकल, आप क्या उन दोनों के साथ मीटिंग करने लग गए? आ जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, क्लियर करवा के आता हूँ, चलता हूँ। देखो भाई, ऐसे जाऊंगा तो सूर्य पटना आएगा क्या? ऐसे जाओगे तो हाथ दुखेगा, इसे नीचे करके जाओगे तो सूर्य पट्टम आ जाएगा। वैसे आप सूर्य पट्टम क्यों जा रहे हैं? दो बकरों को खरीद के उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए। भाई सुन लिया ना उसका उल्टा जवाब? अब देखना उस मिलिट्री मैन का कैसे घमंड उतारता हूं मैं। स्टॉप 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 स्टॉप। क्या है? इस रास्ते से कार नहीं जा सकती। क्यों? ब्रिज रिपेयर हो रहा है। अरे बाप रे, और कोई रास्ता है? गाड़ी को पीछे रिवर्स करके ऐसे ही 3 किलोमीटर पीछे चले जाइए, मेन रोड आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेकर और 4 किलोमीटर दूर चले जाइएगा, वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, सूर्य पट्टम का रास्ता, फ्रॉम देयर इजी। थैंक्स बतख वाले। हाँ, यू थैंक, आई थैंक। टाटा, बाय बाय, सी यू। तूने गलत रास्ता क्यों बोला? हमें बतख वाला बोल रहा था ना, अब इस झूठ से वो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे जाएगा और बत्तख का बच्चा बन के वापस आएगा। धन्यवाद साहब, पेट भर के दूध पी लिया ना बेटा। चु 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 चु। चलो चलो चलो, पक 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 पक। चलो 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 चलो। वैसे पहले भी हम लोग इसी रूट से आए थे ना? हाँ, यही तो रास्ता था। सुनिए, हाँ, इस रास्ते से जा सकते हैं? जा सकते हैं, यहाँ तो ब्रिज रिपेयर हो रहा है ना। किसने कहा? असल में इस रास्ते में ब्रिज है ही नहीं। उस बतख वाले ने हम लोगों को उल्लू बना दिया है। सुनो, इससे पहले इन बतखों को 2 आदमी लेकर जा रहे थे, वो कहाँ है? वो हरिश्चंद्र प्रसाद के घर पे रहते हैं। बतख वालों, तुम हरिश्चंद्र प्रसाद के घर पर रहते हो ना? अभी बताती हूँ। आइए। हेलो 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 हेलो, शी इज माय सिस्टर स्वप्ना। हेलो, ये हमारे अंकल हैं, मेजर एडले। नमस्ते। जय हिंद। पाकिस्तान हमारे सैनिकों को देखकर जीत के सपने देखता है और मुझे देखकर ऊंचा सपना देखता है। अच्छा मामा जी, हमारी मिलिट्री में खाना बनाने वाले नॉर्थ वाले हैं या साउथ वाले? दोनों नहीं है बेटी, थोड़ा ही पल्ली वाला है गुडेरियम, और वो यही है। वैसे तुम्हारे माँ पापा क्यों नहीं आए? आज कोर्ट में एक जरूरी केस का जजमेंट है, शाम की ट्रेन से आ जाएंगे। आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में दो बतख वालों ने हमें उल्लू बना दिया, रॉन्ग रूट बताकर 20 किलोमीटर भगाया। आखिर कौन हो सकता है? वैसे काम है, वो क्या है ना कि नौकराज अपने चूने के बकेट में चूना गिरेगा लगता है, मुंह छुपाओ। वो बतख वाले आपके ही घर में काम करते हैं ऐसा सुना है। हमारे घर में कौन है भैया? भाई बोला था तुमने सुना नहीं, बेवजह उन्हें गलत रास्ता दिखाया मैंने। वो अगर मेरे हाथ लग जाए ना तो, अगर वो हमारे घर में काम करने वाले होंगे ना तो मैं उन्हें काम से निकाल दूंगा। भाई लगता है बहुत गड़बड़ होने वाली है, चलो। भानु यहाँ आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब अपने लिए ये बाल्टी हेलमेट है। किसी बत्तख वालों को तुम जानते हो क्या? है तो बता दो, उनको AK-47 से मार डालूंगा। गोली मारेंगे तो बेकार जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कोई भी ऐसे काम करने वाले नहीं है, शायद खेतों में काम करने वाले होंगे। मैं जाकर पता करता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए, हम लोग शाम को मिलते हैं। भानु। अंकल, ये बहुत खास रिश्तेदार हैं, इन्हें जो चाहिए वो तुम देख लेना, खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। औरों के सामने जिस तरह जाहिलों की तरह पेश आते हो, इनके सामने नहीं आना, समझ गए ना? कार में लगेज है, जाकर लेकर आओ।
प्लीज। अरे ओरिजिनल जैसा है ना, कितना सुंदर है देखो तो, ये कान, ये सिंग। हाँ अंकल, बहुत अच्छा बनाया है, एकदम ओरिजिनल जैसा। ए मिस्टर, आओ। जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, अपना फेस कवर करते हुए क्यों चल रहे हो तुम दोनों? वो बजरंगबली हमारे लिए व्रत कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम बजरंगबली के लिए व्रत कर रहे हैं। व्रत पूरा होने तक हम किसी महिला की सूरत नहीं देख सकते। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। बीबीसी में सुना होगा। हाँ, नो डाउट, ये आवाज बादल वाले की है। इज इट? हाँ हाँ। ए रुको रुको, एक बार तुम्हारा फेस टर्न करो, पूरा घूमो, पहले वो न्यूज़पेपर हटाओ। बत्तख वाले तुम ही हो ना? बत्तख वाले वो कौन भाई? हाँ, कौन भाई? शट अप। बत्तख ले जाते समय हमें रास्ते में रॉन्ग रूट दिखाया ना हमने। वो भाई उस दिन हमारे नाम पर उधार किया। एक तेरे जैसा ही लंबा और हैंडसम बॉलीवुड हीरो की तरह दिखता है, दूसरा बटला सांवला सा मेरी तरह हॉलीवुड हीरो की तरह दिखता है। वही उनके बारे में ही ये लोग बोल रहे हैं, है ना? यू डाउट मी? नो, हम दोनों के वो दोनों डबल एक्शन है। डबल एक्शन है क्या? या वो लोग हमारी तरह दिखते हैं और हमारी तरह हरकतें करते हैं, इसकी वजह से गांव में हमारी इमेज खराब हो जाती है। तुम्हारे साहब को आ जाने दो, सिंगल एक्शन है या डबल एक्शन सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, वो हम ये कह रहे थे कि भाई वो लोग शहर से आए हुए हैं, पोल्यूशन से किडनी काला हो गया होगा। यहाँ खेतों में यहाँ वहाँ घूमेंगे तो किडनी साफ हो जाएगी। मैंने तो यही सोचकर आपको घुमाया था, लेकिन आप शिकायत कर रहे हैं। अब इसके लिए आखिर डबल एक्शन क्यों? उसका कोई मतलब नहीं है, सिंगल एक्शन ही ठीक है। अब क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं आप? आते हैं, आप आराम कीजिए, बाय मिलिट्री में आओ। हाँ या ये हुई बात। बत्तख वाले, हमें परेशान करके 20 किलोमीटर घुमाने के बाद यहाँ पर आराम से खेल रहे हो? अभी बताती हूँ। ए सुनो, कम हियर, कम ऑन। यहाँ पर कपड़े आयरन करने के लिए इस्त्री करने के लिए कोई है क्या? आयरन ही पूछ सकती हो, मुझे अच्छे से समझ में आता है। मेरा भाई एजुकेशन में थोड़ा कम है, लेकिन मैं तो हीरो हूँ ना। आई एम टेम्पल स्टेप्स राइस पीस किंग, KGS। KGS? ऐसी कौन सी डिग्री होती है? बिल्कुल है, KGS, खाना घूमना सफाई करना। देखिए KGS जी, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, यहाँ पर इस्त्री करने वाला कोई है या नहीं? बिल्कुल है। तो फिर तुम जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करवा ले आओ। मैं? क्यों, तुम क्या प्रिंस चार्ल्स के कजिन ब्रदर हो? तुम्हारे साहब ने कहा था ना कि हमारा अच्छे से ख्याल रखना। ये बहुत खास रिश्तेदार है, इन्हें जो चाहिए वो तुम देख लेना, खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बोलिए। फॉलो मी। ए सुनो, ये कपड़े जाकर इस्त्री करवा कर ले आओ। ये तो इस्त्री किए हुए कपड़े। आहा। अब इस्त्री करने लायक है ना? इस्त्री करने के लायक आपने इन्हें बना दिए। इस्त्री करवा कर ले आओ। अरे बत्तख वालों, रुको जरा। हाँ बोलिए। मेरे भाई, बत्तख को कंप्यूटर सिखाने वाले मर तुम ही हो ना? तुम्हें खाली हाथों भेजूंगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे कपड़े भी इस्त्री करवा के ले आओ। क्या देख रहे हो, लेके जाओ। सुनिए, क्या है मेरे भाई? इन कपड़ों पर पानी छिड़क के इस्त्री करवाना है। अच्छा, ना? पानी छिड़क के? मेरे हाथों से काम करवाएगा, मुझे क्या समझता है इसकी? तो मैं नौकरा, जाने देना, जाने दे। तू चुप रह, तुझे कुछ पता नहीं है। अरे वो बात नहीं है भाई, मेरी बात मान। आगे चल। क्या है बेटी, ये फ्रेम में आ ही नहीं रहा है। थोड़ा राइट आओ जरा, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ। अब अंकल, क्या पता इसमें तुम्हारा चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। सुनिए, मिलिट्री में आओ। हाँ, यहाँ कैमरे का ढक्कन निकालेंगे तब तो कुछ दिखेगा। तुम चुप रहोगे ना तो इसे निकाल लूंगा। Thank you.
ए रुको, बोलिए। मेरे कपड़े कहाँ हैं? छोटी सी मिस्टेक हो गई मिलिट्री में आउजी। स्त्री वाले ने दारू पी रखी थी और उसका स्त्री बहुत ही गर्म था। मैंने बहुत कहा लेकिन नहीं सुनी उसने। स्त्री को आपके कपड़े पर रखकर सोई 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 करके घुमाने लगा। ये देखिए, ये छोटा सा टुकड़ा बचा है। वो तो इसके ऊपर जो सफेद कपड़ा लगा है, इसे देखकर मैं पहचान गया कि आपका ही है। दीजिए दीजिए दीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? वो क्या है ना, ढक्कन निकाले बिना आपने फोटो लिया ना। फिल्म लगी है या नहीं लगी है ये डाउट था, इसलिए चेक कर रहा था। फिल्म तो लगी थी। ये तो फिर बना गया हमें। कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। क्यों रे राइस पीस किंग, यहाँ सब सही चल रहा है ना? गधे की तरह मेहनत करके काम कर रहा हूँ मुदल जी। आई एम सॉरी यादल जी। वो तेरा दोस्त कहाँ है? वो खाना खाने के लिए। जी 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 जी, जब देखो तब खाना खाना खाना। तू क्या कर रहा है? झाड़ू से कार साफ कर रहा है? कार से झाड़ू साफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे हमारे गाँव में लेटरिन साफ करने के लिए सब लोग इसी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, वो तो पूरा साफ हो जाता है, तो ये कार साफ नहीं होगी क्या? एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। गरीब आदमी हो, दान करो साहब। तुझे ये ड्रेस किसने दिया है? एक महान आदमी ने दिया है साहब। गरीब आदमी हो तो उन्होंने कहा कि लो इसे पहनो और दे दिया। तो फिर कॉलर का क्या हुआ? उसके घर में कुत्ता आया है, उसके गले में डालने के लिए लेके गया। अरे दानवीर साहब, आप यहीं पे हैं क्या? अब तक तो है लेकिन अब नहीं रहेगा। ये भी दानवीर करण के सौतेले भाई जैसे ही। कौन है ये कंजूस कहीं का? दान मांगा तो 10 पैसे दिया। ये ले, मैं तुझे 1 रुपया देता हूँ, जाके ब्लेड खरीद और अपनी मूंछ काट। दान देने के बारे में कुछ नहीं पता इसे। मैं चलता हूँ बड़े साहब, चलता हूँ मैं। मिलिट्री में आओ, इस ड्रेस में आप मेजर चंद्रकांत जैसे दिख रहे। रो मत बेटा, ओ रो मत, मेरे लाडले बच्चे, रोना बंद कर दो बेटा। अरे क्या हुआ बच्चा, ऐसे क्यों रो रहा है? क्या पता, सुबह से ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, उसे सुला दो। आइए पापा, आइए मामी। आइए ना। अरे अरे, ये क्या जी, आते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, शगुन अच्छा नहीं है जी। बिल्ली के सामने आने से चूहे को डरना चाहिए, इंसान क्यों डरे? तुम कौन हो? इस घर का नौकर है मामी। सुनो, चाकर लगेज ले आओ। ठीक है। सपना, ये कैसी बात है, ऐसे काम उन्हें क्यों बता रही हो? ये क्या पापा, नौकर को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नो 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 नो, वो नौकर नहीं होगा, हरिश्चंद्र प्रसाद जी का बेटा होगा। उसकी शक्ल नहीं देखी तुमने? बेटा, आप हरिश्चंद्र जी के बेटे हो ना? हाँ जी। आप सामान क्यों उठा रहे हैं बेटे, नीचे रख दीजिए। कल सगाई है ना, घर में इतने सारे काम छोड़कर आप ये क्यों कर रहे हैं? सगाई? आप अच्छा नाटक कर लेते हैं। नौकर का नाटक करके मेरी बेटी को धोखा दिया, सगाई के बारे में कुछ नहीं पता, इसका नाटक कर रहे हैं। कमाल के आदमी हैं आप। नहीं जी, सच में मुझे पता नहीं है किसकी सगाई है। आपकी बहन और मेरे बेटे की सगाई है कल। सच में मुझे पता नहीं था। कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? सेकंड। और तुम? सिक्स। वैसे आप क्या पढ़ती हैं? IAS।
दे रहे? हमारे चाची यहाँ पर नहीं आते ना। आंटी, हमारे दादाजी को चाचा जी पर बहुत गुस्सा है, अगर वो सामने आएंगे तो पता है क्या होगा, बम फूटेगा। आने वाले शुक्रवार को अच्छा मुहूर्त है। मुहूर्त हफ्ते भर में ही है, आप यहीं रह के शुभ कार्य को पूरा करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। आंटी आइए ना, आंटी हमारा घर देखिए। ये खा लो बेटा। बस हुआ ना माँ, पेट भर गया है। तुम्हें मोती चूर के लड्डू पसंद है ना, खा लो। तुम्हारे पिताजी ने ही सगाई की तैयारी की थी, ये बात तुम्हारे भैया ने तुम्हें बताई ही होगी, मैंने तो बस यही सोचा था बेटा। कोई बात नहीं माँ, मुझे पता चलना चाहिए इसकी जरूरत भी क्या है। हाँ पर अगर अगला जन्म हुआ तो उस जन्म में भी इसी भगवान से पैदा हूँ ऐसी प्रार्थना करूंगा। कम से कम उस जन्म में पिताजी का लायक बेटा बन के रहना है माँ। भैया, आपसे ही कह रही हूँ भैया। क्यों? कुछ नहीं, भानु प्रसाद जी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी मुझे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे भैया? कुछ नहीं, भानु को भानु प्रसाद जी कहकर पुकारने वाली तुम पहली हो, इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा बताओ उसके बारे में तुम्हें क्या जानना है? इस गाँव में हरिश्चंद्र जी की इतनी बड़ी फैमिली है, पैसे वाली फैमिली है, उनके दोनों बड़े बेटे तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर भानु प्रसाद जी ऐसे क्यों हैं? घर वाले उनसे पराया जैसा सलूक करते हैं, जानबूझकर उन्हें अवॉइड करते हैं, ऐसा क्यों होता है? भानु प्रसाद की कहानी सुनकर भगवान भी दुखी हो जाते हैं। भानु को बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, वो हर सब्जेक्ट में जीरो ही पाता था। पिताजी को पता चलेगा तो चिल्लाएंगे, इसलिए जीरो को मिटाकर 100 लिख करके उसके बाद पिताजी को मार्कशीट दिखाया करता था। फिर भी उसके पिता उसे डांटते थे। क्यों? 100 में कितने शून्य होते ये पता होगा तब ना, 4-5 शून्य लिख करके ले जाता था और पिताजी पकड़ लेते थे। भानु प्रसाद की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो स्कूल की छुट्टी कभी नहीं करता था, और उसकी वजह स्कूल में पढ़ने वाली लड़की माधवी थी, जो उसे 2 साल छोटी थी। एक दिन माधवी ने होमवर्क नहीं किया तो मास्टर साहब उसे मार रहे थे। भानु उसे रोते हुए नहीं देख सका और उसने मास्टर को बहुत मारा। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ देखा भी नहीं और पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। इसी तरह अनजान में की गई 2-3 गलतियों के लिए भानु प्रसाद आवारा है ऐसी उसकी छवि बन गई। जो काम उसे आता था उसके पिताजी वो काम भी उसे नहीं करवाते थे। धीरे धीरे भानु सबसे दूर होता चला गया, हंसता खेलता खुश था तो उसकी वजह माधवी थी, जो उस समय हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी, शनिवार रविवार को घर आती थी। उसके आने पर भानु के लिए त्योहार जैसा होता था। भाई भाई, विजयवाड़ा की बस आ गई। आ गई क्या? क्या आदमी है, लगता है पूरी रात नहीं सो पाया। कैसी हो माधवी? मुझे कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। हाँ तो बेटी आ करो। क्या कर रहे हो? मैंने ये वाला नहीं पूछा, ये कहा। यहाँ गए बिना भी मैं आकर डॉक्टर बदन का डॉक्टर साहब हूँ, समझ गए? मैंने उस लड़की को मतलब मुंह खोलने को कहा। उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लेकर आए, दांत ठीक नहीं है इसलिए नहीं। यू शट अप मैन, तुम मुंह खोलो जरा। ज्यादा बुखार नहीं है, इंजेक्शन दे दूंगा ठीक हो जाएगा। नर्स इंजेक्शन तैयार करो। नुकरत, इंजेक्शन का मतलब सुई है ना? हाँ भाई। सुनिए डॉक्टर, इंजेक्शन मत देना, माधवी को दर्द होगा। हमारे गांव में तो डॉक्टर दवाई से इलाज करते हैं। अब कौन सी दवाई देनी चाहिए ये मुझे पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी सुई छोटी है, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर वो सुई मुझे दो, दर्द होता है कि नहीं देखना है। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बड़ा सरदर्द है। सुनो तुम बाहर जाओ। दोनों से कह रही हूँ जाओ बाहर। क्यों, इंजेक्शन दिया क्या? हाँ। तो तुम कार में बैठो, हम जाके फीस देके आते हैं। नौकराज अपनी जुबान बाहर निकालो। ए सुन, ये जानवर का डॉक्टर है, इंसान का नहीं। चलो निकलो यहाँ से, डॉक्टर साहब को फीस देनी है। मैंने मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट देने को कहा था, आपने अपने हिसाब से इंजेक्शन दे दिया। अरे अब ये क्या जबरदस्ती है, मैंने इंजेक्शन दिया मतलब वो बच्चों को देने वाला इंजेक्शन था। नौकराज तैयार है भाई। क्या कर रहे हो? ये लीजिए।
अरे बाप रे, वो घुसाओगे तो कमरे में चला जाऊंगा। घुसा दो, घुसा दो, घुसा दो, घुसा दो, घुसा दो, घुसा दो। डॉक्टर, आठ नंबर पेशेंट का बुखार बहुत बढ़ रहा है, इंजेक्शन दे दूं क्या? आज के बाद इंजेक्शन टोटली बैन, नो इंजेक्शन, ओनली टैबलेट्स। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अरे बाप रे, मार डाला मुझे। क्यों? डॉक्टर को इंजेक्शन लगा दिया? इसीलिए तुम दोनों को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें इंजेक्शन देंगे तो देखते बैठे क्या हम? रोज इसी तरह के किस्से, रोज एक समस्या। भानु प्रसाद और माधवी की शादी करवा दी जाए तो भानु सीधे रास्ते पर आ जाएगा, उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। घर के सभी लोगों ने बड़े साहब से कह दिया। हाँ, बकरे के बच्चे को प्रेम से पाल के देवी को बलि चढ़ा दूं, माधवी की इससे शादी करके उसका गला काट दूं क्या? उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद हम ही उसके लिए सब कुछ हैं, उसके साथ द्रोह करूं क्या? इसमें द्रोह करने वाली क्या बात है, इन दोनों की शादी तो करनी है और ये बात तो बचपन में ही तय हो गई थी। हाँ, जैसा बचपन में सोचा था वैसा हो रहा है क्या? माधवी पढ़ाई करके डिग्री लेने वाली है, तुम्हारा बेटा तो अनपढ़ है, ये बिल्कुल उसके लायक नहीं है। लायक की क्या बात है, माधवी उसकी जान है, इतना काफी नहीं है क्या? माधवी को भी हमारा भानु बहुत पसंद है, हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती है। हाँ पापा, माधवी और भैया की शादी करवा देंगे तो भैया जरूर बदल जाएंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर आपको उलझन है तो माधवी से ही पूछ लीजिए। तेरे बेटे जैसा उसे पाला नहीं है, मैं जो कहूंगा वो माधवी मानेगी। अच्छा दिन निकाल के मुहूर्त तय कर लो, तैयारी शुरू कर दो। शादी की तैयारी गांव में बड़े धूमधाम से हो रही थी। माधवी और उसकी शादी हो जाएगी तो दूध का अभिषेक करवाकर सोने का मुकुट बनवाऊंगा, ऐसा बगल वाली गांव की देवी से मन्नत मांगा था भानु प्रसाद ने। वो मन्नत पूरा करने के लिए शादी के पहले दिन मैं और भानु प्रसाद देवी के मंदिर के लिए चल पड़े। तभी वहां एक लड़की आत्महत्या करने के लिए पेड़ के ऊपर से पानी में कूदी। उसे बचाने के लिए भानु प्रसाद भी पानी में कूद गया और उस लड़की को बचा लिया। उसे ऊपर लाने के बाद देखा कि वो लड़की माधवी थी। कल सुबह शादी और तुमने आज ऐसा क्यों किया? इस शादी से बचने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। किससे पूछकर यह फैसला किया गया? तुम लोग आपस में ही तय कर लोगे क्या, और मैं तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन लूं? वैसे क्या देखकर शादी करूं तुमसे, पढ़ाई, कल्चर या डिग्री? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी उंगली पकड़कर सात कदम भी नहीं चल सकती। मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हारा परिचय करवाया तो इंग्लिश का एक शब्द नहीं समझ पाओगे, कैसे बात करोगे उन सबसे? माधवी, तुम कैसी बात कर रही हो? इतने साल तुम और भानु आपस में बातचीत नहीं करते रहे, खुशी से घूमते नहीं रहे? उस घर के कुत्ते के साथ भी घूमती थी मैं और खुश रहती थी, तो फिर क्या उसके हाथों से मंगलसूत्र पहन लूं? तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहनने से अच्छा है कि मैं गले में फांसी का फंदा लगा लूं। फांसी लगने वाली होती है तब भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, पर मुझसे तो वो भी नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा गया? पढ़ाया है, पालपोस के बड़ा किया है, इसलिए जैसा वो कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा, है ना? इतने सालों से तुम मेरे साथ घूमती थी, खुशी से बात करती थी, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कुत्तों के साथ जैसे घूमते हैं वैसे ही तुम मेरे साथ घूम रही थी। ये पता होता तो बात शादी तक नहीं जाती। बचपन से तुम्हारी आशा ही मेरी आशा है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है सोच के जीता आ रहा हूँ। इसीलिए इस दुनिया में जो तुम्हें पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है। अब जब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं भी खुद को पसंद नहीं करता। तुम अपनी मर्जी से पढ़े लिखे आदमी के साथ शादी करके सुखी हो जाओ। पिताजी को तुम पर बहुत गर्व है ये मुझे पता है, पर उनका तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। उनकी खींची गई लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगी, ऐसे भ्रम में हैं वो। उसी भरोसे की वजह से ये शादी तय की है, उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे। एक लड़की के मन को जाने बिना, पसंद जाने बिना शादी तय करती ये सोच के जिंदगी भर दुखी होंगे। इसलिए ये शादी मुझे पसंद नहीं है कहकर मैं रोक दूंगा। पिताजी की नजरों में मैं नालायक लड़का हूँ, उनका प्यार न पाने वाला बदनसीब हूँ। अब अगर ये शादी रोक दी तो न जाने मेरे साथ क्या क्या होगा। उम्र कैद मिलने वाले को फांसी की सजा मिली तो कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम उनकी प्यारी माधवी ही बनी रहो। अगर ये शादी रुक गई
तो तुम्हारे पिताजी के मान सम्मान का क्या होगा ये सोचा है? मेरी बात मानकर ये शादी कर लो। hey, उससे क्या बात कर रही हो? आखिरी फैसला क्या है बताओ, इसके गले में मंगलसूत्र बांधोगे या नहीं? नहीं बांधूंगा। बस उस दिन से आज तक बड़े साहब ने भानु से बात नहीं की। पहले तो भानु के किए गए काम बड़े साहब को पसंद नहीं आते थे, लेकिन इस घटना के बाद भानु ही उनकी नजर से उतर गया। उनका बेटा इस दुनिया का सबसे बड़ा नाकारा है ये सोचकर नजरअंदाज करने लगे। लेकिन भानु अपने पिताजी को अपने मन में एक भगवान का दर्जा देता है। उनका सर झुकना नहीं चाहिए, इसलिए अपना सर झुका के जीता है। इस हकीकत से वाकिफ नहीं है बड़े साहब, उसने जिस लड़की को मना किया था उसकी शादी उसकी आंखों के सामने एक इंजीनियर से धूमधाम से करवा दी। जो कुछ हुआ किसी से कभी कहना नहीं, ये कसम मुझसे भानु ने ले ली, लेकिन आवेश में तुमसे सब कुछ कह दिया। गलती से भी ये बात कभी किसी से मत कहना। क्यों रे, तुझे मैंने इतनी बार डांट दिया, इतनी बार सफाई करवाई तुमसे, इसलिए मुझ पे गुस्सा है? अरे नहीं भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। बड़ा भाई चिल्लाएगा तो छोटा भाई गुस्सा करेगा क्या? वेरी गुड। ये क्या है भाई, अभी तक खड़े हो? अरे बैठो। नीचे क्यों बैठ रहे हो भाई, कुर्सी पे बैठो। इतने महान इंसान है आप, आपके सामने कुर्सी पर बैठूं मेरी इतनी औकात नहीं है। अरे वाह 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 वाह, कुछ और सोचा था, तुम्हें इज्जत करना अच्छी तरह से पता है। मारेगा क्या? आप जैसे महान इंसान के सामने दारू पीना शराफत नहीं है भाई साहब। अरे भाई, इश्क को कभी छुपाना नहीं चाहिए। असल में मैं इसके मामले में सोशलिस्ट हूँ। अरे नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, दारू में सोडा नहीं चाहिए, ये कह रहा हूँ भाई साहब। ओह, ऐ शराफत शराफत से चीयर्स बोलो। चीयर्स। मर्यादा मर्यादा। मर्यादा मर्यादा। अरे वो बत्तक वाले। हाँ बोलो। इससे पहले ये सब लाकर रखने वाली लड़की हाँ उस टाइप की है क्या? उस टाइप मतलब? अरे वही अक्कुम अक्कुम, उस टाइप की है क्या? अक्कुम अक्कुम, हाँ या नहीं ये मुझे पता नहीं है, वीरकप्पन को पूछेंगे तो पता चल जाएगा। वीरप्पन की तरह ये वीरकप्पन कौन है? उस औरत का पति। हाँ? वीरकम लकड़ियाँ काटता है और वो वैजप्पन अक्कुम अक्कुम इंसान काटता है। इससे पहले दो तीन आदमियों को काट कर जेल में जाकर पूछता हूँ। नहीं इतना रिस्क नहीं लेना। नहीं अच्छा ये सिगरेट क्या तेरे दादा आकर जलाएंगे? जलाए इसे, फायर। अरे अरे ये क्या किया? इससे पहले क्या कह रहा था? अकुम अकुम। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक और पैक बनाओ। ओए तुझे ऑलरेडी बहुत चढ़ गई है, कल पीना, अभी जाके रेस्ट कर। तू जब बोलेगा तब मैं पीऊंगा, तू जब मना करेगा मैं नहीं पीऊंगा। मुझे क्या बेवकूफ समझता है तू? चल बे बना एक पैक। मुझे बे बुलाता है,
ओए तेरी शराफत उतर गई लगता है। जंगल में घूमने वाला आवारा हाथी दिखता है, तेरे साथ क्या शराफत बे, चल बना। ओए तुझे बैठा के पिलाया लेकिन अब मुझे अकल आ गई, अकल आ गई मुझे, हाँ आ गई है। लगता है इसे चढ़ गई। अच्छा सुन, जाके अंदर सो जा, अच्छे से रेस्ट कर ले, कल बात करूंगा। हमें जाना, हमें जाना, हमें जाएगा। अरे बाप रे बाप, जा। कभी कभी मेरे दिल में नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आइए। नमस्ते जी, टाइम हो रहा है वो आई नहीं। हाँ सब ठीक है। नमस्ते 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 नमस्ते। हाय कैसे हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने बताया था ना वो लड़की माधवी वही है। व्यवस्था कैटरिंग वाले देख रहे हैं ना? हाँ भैया, खाने की पूरी व्यवस्था वही कर रहे हैं। ये मेरे पति की बहन है, हमारी शादी के समय अमेरिका में थी, आपसे परिचय कराने के लिए लेकर आई हूँ। ओ ये मेरे बड़े भैया हैं, डॉक्टर हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये मेरे छोटे भैया हैं, इंजीनियर। नमस्ते भैया। नमस्ते। ए भानु, ये लड़की हमारे माधवी की मेहमान है, इन्हें ठंडा दो, आप लोग बातें कीजिए। वैसे भाभी ये कौन है, आपने परिचय नहीं करवाया? ये कोई वीआईपी नहीं है, जो मैं इनका परिचय करवाऊं। सुनिए, आपसे कह रही हूँ, एक मिनट रुकिए। दुर्गा वाणी, सर यहाँ आओ तो। कम ऑन ऐसे, क्या हुआ सपना? तुमसे कहा था ना एक वीआईपी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तुम्हें, यही है भानु प्रसाद जी, इस घर के छोटे बेटे। नमस्ते। नमस्ते। देखने में तो बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन मामूली इंसान मत समझना, शब्दों में बता नहीं सकते इतने महान है ये। हम किसी को चिल्लर भीख में देते हैं या फिर खाना भीख में देते हैं, लेकिन इन्होंने कई लोगों को उनकी जिंदगियां भीख में दे दी। इनकी दी हुई भीख से जीने वाले कुछ लोग उस एहसान को भूल गए हैं, पर ये उसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, इतने महान हैं ये। चलो चलते हैं। क्या हुआ, तुम लोगों के बीच यहाँ क्या बातचीत चल रही थी? उस लड़की का बहुत घमंड है, भानु को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया इसलिए जो चाह बोल गई। कलेक्टर की पढ़ाई जो कर रही है इसलिए घमंड तो होगा ही ना। कुछ जरूरी बात करनी थी ना, तो यहाँ पर ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? एक नहीं दो जरूरी विषय पर बात करनी थी। पहली बात, आज के बाद आप मुझे आप नहीं कहेंगे, तुम कहकर बुलाएंगे। दूसरा, अब वो कैसे शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे कहा वैसे ही कह दो। आप मुझसे शादी करेंगे क्या? मैं सच में पूछ रही हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है इसलिए आपके साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। घर में तुम्हारे माता पिता राह देख रहे होंगे, चलो।
मैंने जो पूछा उसका जवाब ही नहीं दिया आपने। जो हो नहीं सकता उस विषय पे बात करना बेकार है। क्यों नहीं हो सकता? पढ़ाई करके डिग्री लेने वाली आप कहाँ, पढ़ाई न करने वाला अनपढ़ मैं कहाँ। अपने बराबर के किसी लड़के को देखकर शादी कर लीजिए। पढ़ाई और डिग्री को देखकर इम्पोर्टेंस देने के लिए प्यार कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। वो तो इंसान का मन देखता है और आपका मन इतना साफ है जितना किसी डिग्री वाले का भी नहीं होगा। किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है किसी ऐसे इंसान के साथ बिताना जिसे आप पसंद करते हैं, भले ही वो अनपढ़ हो। आपकी जैसी बात करनी मुझे नहीं आती, लेकिन आपकी मेरी जोड़ी सही नहीं है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तो यही आपका जवाब है? हाँ जी। नहीं, आपके मन में शायद कोई और बात है, आप छिपा रहे हैं। मेरे मन में कुछ नहीं है और होगा तो भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं आप पर दया करके आपसे प्यार नहीं कर रही हूँ। एक लड़की जो आपको ठुकरा कर चली गई, उसके बाद भी उसके खुश रहने की जिम्मेदारी आपने अपने आप पर ले ली। उस सच्चे दिल को देखकर मैंने आपसे प्यार किया। मैंने इससे पहले एक लड़की से प्यार किया है, अब किसी और को कैसे कर सकता हूँ ये मत सोचिए। दिल से दिल मिलता है तब प्यार होता है। जिस लड़की के पास दिल ही नहीं है उसके प्यार में पूरी जिंदगी बिता देना, उससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। नहीं जी, अभी तक कुत्तों के साथ जैसे वक्त बिताते हैं वैसा ही तुम्हारे साथ मैंने बिताया। ऐसा जब उसने कहा ना, तभी वो मेरे दिल से चली गई थी। उसकी यादें मेरे अंदर से चली गई, पर उसका दिया हुआ घाव नहीं गया। मरहम लगाने से कैसा भी घाव हो ठीक हो जाता है, वो मरहम मैं हूँ ऐसा क्यों नहीं समझते आप? आपने माधवी को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, पर वो आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई और आपको ठुकरा कर चली गई, आपकी जिंदगी उदास कर गई। आज मैं आपसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, आप अनजाने में इस सच्चे प्यार को माधवी की तरह ठुकराइए मत। बहुत सोच समझ कर मैंने ये डिसाइड किया है, कल इसी समय पर मैं यहाँ आऊंगी। अब आपके फैसले पर ही मेरी पूरी जिंदगी निर्भर है। चलती हूँ। माधवी ने जो गलती की वो आप मत कीजिए। भानु प्रसाद जी, घर के सबसे छोटे बेटे। बेटी क्या बात है? टिकट्स के लिए कह दिया। हाँ कह दिया बेटी, वो बतख वाले को कह दिया। पर क्या फायदा, उसके जैसा कामचोर पूरे इंडिया में ढूंढने पर नहीं मिलेगा, उस पर भरोसा कर लिया मैंने बस। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। तू है क्या? तू सच में 100 साल जिएगा अभी? हमारा टेम्पल स्टेप्स अच्छा लड़का है, उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी ही है, उसे कह रहा था तुमने एंटर कर लिया। वो क्या है कि गु पे गुहा ये क्या है भाई? गांव में शादी की जिम्मेदारी कुत्ते को। मैंने सब सुन लिया है, ये लो टिकट। थैंक्स अंकल। यस आप भी हमारे साथ आ रहे हैं ना? नहीं बेटी, आप ट्रेन में जाओ, मैं कार में आऊंगा।
तो फिर मैं चलता हूँ भाई साहब, टाटा, सी यू, गुड बाय। तुम्हारे अंदर सेंटीमेंट्स तो कूट कूट के भरे हुए हैं, ये आंसू मैं जा रहा हूँ इसलिए है क्या? नहीं भाई साहब, आपसे पहले आपका हाथ या पैर चला जाएगा इसलिए। आज 16 तारीख है। कल 15 थी तो आज 16 ही होगी ना, वैसे भी कोई संबंध नहीं है तुम्हारी बातों में। संबंध कैसे नहीं है क्या बताऊं मैं, आप भूल गए क्या? यू रिमेम्बर, आपने कहा था हमारे गांव की ऐश्वर्या राय मंगम्मा, उसका पति मैन कटर कल जेल से छूट कर वापस आ रहा है। आप संभल कर जाइएगा भाई साहब। भगवान। अगर अंकल भी साथ आते तो अच्छा होता। मैं भी तो वही कह रही थी। अरे वाह, गांव में विदेशी कार, डैडी मैंने खरीदने के लिए कहा था ना, बेंज कार, यही है वो मॉडल। गुड, अच्छा है। सुनिए, ट्रेन आ गई, जल्दी आइए। हाँ आ रहा हूँ, कम ऑन। नमस्कार मालिक। हाँ, वो कार के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना? कार बेचेंगे क्या, ऐसा पूछ रहे थे। वाह वॉचमैन सर, ये कार यहाँ कैसे आई? एक आदमी आया था कार की चाबी और ये चिट्ठी देकर गया है। हमारे गांव के दामाद को हमारी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा, आपका लिंगराज सिंहराज। मैं क्या कोई पागल हूँ जो ऐसे ही 20 लाख की गाड़ी तोहफे में दे दूंगा? हाँ, सेंट यहाँ वहाँ मार के सीधे सेंटर में मारूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। उस जज के पास करोड़ों की जायदाद है, वह हरिश्चंद्र प्रसाद को बहुत ही महान इंसान समझता है, इसीलिए उसका संबंधी बन गया। अब मुझे भी बहुत महान इंसान समझ रहा होगा, मैं भी उसका संबंधी बनूंगा। उससे हमें क्या फायदा होगा? अरे दे 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 दे। मेरे कंप्यूटर ब्रेन को तू समझता क्यों नहीं? हाँ, जब दामाद के परिवार वाले हल्ला करते हैं तो लड़की का पूरा परिवार हिल जाता है। तुम उस जज की बेटी का पति बनोगे और उसे नचाओगे तो वो हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी को नचाएगा। रिमोट अपने हाथों में होगा और बॉम्ब हरिश्चंद्र प्रसाद के सीने में। कैसा है मेरा सेंट को सेंटर में मारना? देखो तो, शादी के सपने देखना शुरू कर दिया। हाँ, जाके सेंट लगा के सो जा, सेंट महकेगा तो सपना आएगा। हाँ, और मैं जज की बेटी के साथ तेरा रिश्ता तय करके आता हूँ। अब आप लोग इतना क्या सोच रहे हैं? अजी सोच नहीं रहा हूँ, लड़की आईएएस पढ़ने की सोच रही है, एंट्रेंस का एग्जाम भी दे चुकी है। जब तक कलेक्टर नहीं बन जाएगी शादी नहीं करूंगी, ऐसा उसने कहा है इसीलिए। अरे कलेक्टर की पढ़ाई घर संसार बसाने के बीच में कैसे आएगा? आराम से पढ़ने को कहिए, मेरा बेटा उसे पढ़ाएगा। आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी तो हमारे लिए भी गौरव की बात होगी ना। इतना क्या सोच रहे हैं जी, अच्छा ही तो है। बात वो नहीं है बेटी। चुपचाप हाँ कर दीजिए, आपसे संबंध बनाना हमें अच्छा लगेगा। ये हुई ना बात, किससे पूछकर आपने रिश्ता तय किया? ये फैसला मेरा नहीं है बेटी, तुम्हारी माँ का है। मैंने यहाँ कहा है, क्या करोगी अब? तो फिर आप ही जाकर शादी कर लीजिए। मैंने हरिश्चंद्र प्रसाद जी के बेटे भानु प्रसाद से प्यार किया है और उसी से शादी करूंगी। भानु प्रसाद से? उससे शादी करके कैसे खुश रहोगी तुम? इससे अच्छा होगा शादी वादी मत करो और जिंदगी भर कुंवारी ही बैठी रहो। अरे उसका बाप दूसरों के सामने उसे अपना बेटा नहीं कहता, उससे क्या शादी करोगी तुम? जीसस को भी सभी ने नकारा था और अभी सब उन्हें भगवान के रूप में पूछते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक दिन भानु प्रसाद की सच्चाई सबके सामने आएगी, तब सबको पता चलेगा कि वो कितने महान हैं। वंडरफुल वंडरफुल, क्या आर्गुमेंट है। चुप रहिए आप। ठीक है, देखो सपना, तुम चाहे कैसी भी बातें कर लो, मेरा फैसला बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है, ये बात समझ लो। मेरी ही पसंद के लड़के से 15 तारीख को तुम्हारी शादी होगी। तो फिर आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए, आपके तय किए हुए दिन ही मैं भानु प्रसाद से अपने गले में मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। अरे भाई भाई, सपना ने तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी भेजी है। सपना, पढ़ो पढ़ो। नो नो नो, इस लेटर को मैं नहीं पढ़ सकता, ऊपर से लव लेटर तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने बजरंग बली की कसम खाई। ठीक है, मुझे दे दो। एक्सक्यूज मी, इतनी जल्दी में लेकर कहाँ जा रहे हो? थोड़ा स्लोली सोच के देखो, तुम्हें पढ़ना आता है क्या? डू यू नो हाउ टू रीड?
इस गांव में हाई स्कूल पास ग्रेजुएट मैं अकेला ही हूँ। मुझसे पंगा लेकर नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरे जैसे समझदार का इस्तेमाल करो भाई। ठीक है, तू ही पढ़। हे, व्हाट आर यू डूइंग आई से? मैं क्या यहाँ पर कोई खबर पढ़ रहा हूँ जो तू कान लगा के सुन रहा है? चल भाग यहाँ से। उसने क्या गलती की? मैंने कुछ गलत पढ़ लिया तो शर्मा जाएगा बेचारा। ठीक है पढ़। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने की 15 तारीख को मेरी शादी है। लड़का आप ही के गांव का है। इस शादी को रोकना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आप रोक सकते हैं। 15 तारीख को या तो मेरे गले में आपके हाथों मंगलसूत्र बंधेगा या मैं फांसी लगाकर खुदकुशी कर लूंगी। ये क्या भाई, वहाँ इतना कुछ हो रहा है और तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है? फिक्र मत करो नौकराज, सपना के गले में मंगलसूत्र और कौन पहनाएगा? और कोई पहनाएगा तो मैं देखता रहूंगा। उसके अनुसार ही 15 तारीख को ही शादी होगी, पर दूल्हा वो नहीं होगा, मैं होऊंगा। सपना को जवाब भेज दो, फिकर मत करो। सुनो, लिखते वक्त थोड़ा सा अंग्रेजी भी लिखना। उसमें क्या, वो तो भाई आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। पिताजी क्या? हाँ भैया, आपको तुरंत आने को कहा है। मुझे? हाँ भैया। क्या कहा? बड़े साहब ने बुलाया है। अरे देख क्या रहा है, चल भाग भाग जल्दी। भानु भैया, इतनी जल्दबाजी में कहाँ भाग कर जा रहे हो? पिताजी ने मुझे बुलाया है, मुझसे कुछ बात करनी है। सुनिए, भानु आया है। रामदास, तुम जाके वो बैग लॉरी में लोड करो। ठीक है साहब। गोविंद, तुम सब आओ। आपने बुलाया? हाँ, कुछ देर पहले समधन और समधी जी आए थे। आपका भानु पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि कोई बिजनेस भी नहीं करता है। ये सब छोड़ दीजिए। पिछली बार एक लड़की को पसंद की, उससे शादी करने की जिद की। आपने जब कहा कि मुहूर्त कल का है तो शादी से इनकार कर दिया। कल मेरी बेटी के साथ भी यही कर सकता है। हमने जिस लड़के को पसंद किया है वो पढ़ा लिखा है, हमारी सपना के लिए बिल्कुल ठीक है। हमारी बेटी का हमें डर नहीं है, हम उसे समझा सकते हैं, लेकिन डर आपके बेटे इस भानु प्रसाद के मुकरने का है। मुहूर्त के समय पर, शादी के ठीक 4 घंटे पहले अगर ये मुकर गया तो हम क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे हम लोगों को? हम सर उठाकर जी पाएंगे क्या? हमारे वंश की परंपरा के अनुसार हमारे घर से मंगलसूत्र जाता है तो इस गांव में कोई शादी हो पाती है, लेकिन आज इस घर से कोई आदमी आएगा तो हमारे घर की शादी रुक जाएगी, ऐसा सुनना पड़ा हमें। उस दिन माधवी के साथ हुआ, आज वो मेरी बेटी के साथ हो सकता है, ऐसा समधन जी ने कहा। उसने जो कहा उसमें न्याय है, लेकिन इसको कब अकल आएगी किसे पता। पिता होने के नाते इसने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने भी बेटा है इसके लिए कुछ ज्यादा कहा नहीं, लेकिन आज एक जुबान देने को कह रहा हूं। यह उसे रख पाएगा या नहीं पूछो इससे। तुम शादी में कोई बाधा नहीं डालोगे, जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई है उसी से उसकी शादी होगी, ऐसा वचन देने को कहो इसे। मेरे दोनों बेटे मेरे वंश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसके पैदा होने से आज तक इसके वजह से मुझे कोई खुशी नहीं मिली। ये इसके लिए आखिरी मौका है। मेरे गौरव को बचाने वाला ही मेरा बेटा है। मेरा बेटा बन के रहना है या नहीं पूछो इसको। मेरे गले में मंगलसूत्र होगा या फांसी का फंदा, ये आप ही तय कीजिए। मेरा बेटा बन के रहना है या नहीं पूछो इसको। मेरे गले में मंगलसूत्र होगा या फांसी का फंदा। देखो भाई, अपने पिताजी के गुस्से को तो जानते ही हो, एक मिनट में ऊपर चढ़ जाती है। शादी करके जब तुम दोनों आओगे तो उनका गुस्सा पिघल जाएगा। तुम्हारी शक्ल देख करके ना सही, हो सकता है उस लड़की की शक्ल देखकर ही उनका मन बदल जाए। भगवान का अभिषेक जरूरी है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भूखे की भूख मिटाना उससे ज्यादा जरूरी होता है। तुम पिताजी के ही बेटे हो, ये तुम कभी भी साबित कर सकते हो, लेकिन मंगल सूत्र बांधे बिना उस लड़की को जाने दिया तो फिर वो कभी नहीं मिलेगी। अब देर किए बिना यहाँ से जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये करना ही होगा। नमस्ते। सही कह रहा हूँ। नमस्ते। 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 मंत्र थोड़ा जोर से पढ़िए। मंगलम भगवान विष्णु। आंटी, हाँ, सपना रेडी नहीं हो रही है। क्या है तेरी प्रॉब्लम? साड़ी नहीं पहनूंगी, जेवर नहीं पहनूंगी, क्यों कर रही है ऐसा?
ये सब क्यों कर रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कितना भी रोले वो भानु प्रसाद यहाँ नहीं आने वाला है। सपना आए, वो बचकर जाने ना पाए। सपना, ये क्या जी, सब ऐसे ही देखते रह गए। अरे कमीनो सुनो, जाओ उसे मारकर लड़की को ले आओ। वो भानु हमारी आंखों में सेंट छिड़ककर उस लड़की को भगा के ले गया। अगर उसके सामने उसकी लाश पे सेंट नहीं छिड़का तो मेरा नाम भी लिंगराज सिंह राज नहीं। ओम मांगल्यं तन्तु नानेनाम अवदीपने हेतुना कंठे दद्धाम सुभगेत्वं देवशरदांसितम्। लड़कियों को आशीर्वाद देकर हल्दी से पीले होने वाले आपके हाथ खून से नहीं रंगने चाहिए। कितनी ही लड़कियों को आपने अपने हाथों से मंगलसूत्र दान किया है, उन्हीं हाथों से आज मेरे गले का मंगलसूत्र आप छीन लेंगे। चले जाओ, आज से इसका और इस घर का कोई संबंध नहीं है। आज के बाद न कोई इसे देखेगा न इससे बात भी करेगा। मेरे खिलाफ जो जाएगा वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। अपने पिता के खिलाफ जाने वाला ये एक नालायक बेटा है और इससे शादी करने वाली ये एक नालायक औरत है। ये दोनों कैसे जीते मैं भी देख लूंगा। चले जाओ, जाकर कहीं बेकार सी जिंदगी बिताओ। जाओ, चले जाओ। मैं आपके गौरव को बचा नहीं पाया पिताजी, तो आपकी जायदाद पर मेरा क्या हक? ये है मेरा पैलेस, तुम्हारा संसार बसाने का ठिकाना। ये लो चाबी, अंदर जाकर देख लो।
क्यों भाई, खुद के गांव में घर देखता तो अच्छा होता ना, इतनी दूर आकर रहने का क्या मतलब था? मेरी शक्ल नहीं देखेंगे ऐसा निर्णय लिया है पिताजी ने। अगर एक ही गांव में रहेंगे तो कभी ना कभी तो सामने आएंगे ही ना, इसीलिए। क्यों, कैसा लगा मेरा व्हाइट हाउस? आपके बताए हुए व्हाइट हाउस में सिर्फ व्हाइट नहीं है पर घर बहुत अच्छा है। बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे। बोलो। हमने बड़ों के खिलाफ जाकर शादी की है, हमारे घर वाले ये सोच रहे हैं कि हम जिंदगी भर तकलीफ उठाते रहेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे घर वालों की सोच बिल्कुल गलत साबित हो जाए। सही कहा, अच्छे से जी के दिखाना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि ऐसा होने तक हम अपनी सुहागरात के बारे में ना सोचें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमें अपना लक्ष्य पाने में आसानी होगी ना। हाँ? क्या कहते हैं आप? देखा आपने, चिपकली ने भी हाँ कह दिया। हाँ सही कहा, उस चिपकली की शादी हुई होती तो ना। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अरे चिपकली को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्यों होगी? कहाँ जा रहे हैं आप? वो छिपकली कुछ कहे इसके पहले ही बाहर सोने को जा रहा हूँ। सुहागरात के लिए मना किया है पर बाहर सोने के लिए तो नहीं कहा ना, एक ही कमरे में सो सकते हैं, बस अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। हाँ हाँ, एक ही कमरे में रहकर हम कंट्रोल करके रह सकते हैं। हाँ बोलो जय बजरंगबली। ये क्या आप नीचे सो रहे हैं? एक ही बिस्तर पर सोएंगे तो भी कंट्रोल करेंगे तो हमारे बीच कुछ नहीं होगा। देखा आपने, देखा फिर से छिपकली ने हाँ कहा, मतलब मैं जो भी कह रही हूँ वो सही है। हाँ छिपकली को जो पता है वो मुझे नहीं पता, पर तुमने जो कहा वो सही है। हाँ मैं जाकर लाइट ऑफ करती हूँ। हाँ। क्या हुआ? चिपकली! अरे क्या हुआ सपना? चिपकली! क्या हुआ? चिपकली! अगर आप बुरा ना माने तो एक और बात कहूँ। हमारी सुहागरात के फैसले को कुछ दिनों के लिए रद्द कर देते हैं। तो फिर छिपकली? हाँ अच्छा है छिपकली, उसने भी हाँ कह दिया। ओ जय हो कामदेव की। सपना, सपना क्या बात है, आज महाशय बहुत खुश लग रहे हैं। फिर से छिपकली ने आवाज दिया। अभी मुझसे नहीं। छिपकली सिर्फ मिडनाइट मसाला के लिए ही आवाज देती है। सुबह आवाज दिया तो मतलब खाने पीने का इंतजाम हो गया, मुझे नौकरी मिल गई है। सच कह रहे हो? कहाँ पर? बस कंपनी में। क्या पोस्ट है? ओनर। ओनर? हाँ वही, ओनर के बाद ओनर जैसा ही समझो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी काम करेंगे तो क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक से काम नहीं किया तो निकाल लेता हूँ और बाहर फेंक देता हूँ। अच्छा, निकाल लेता हूँ बाहर फेंक देता हूँ ऐसा कह रहे हैं? वो बस का कोई टायर है क्या? ना ना, मेरे नीचे काम करने वाले की बात कर रहा हूँ, ढीला रहूंगा तो नहीं चलेगा। असल में मेरे ओनर ने मुझ पर कितनी जिम्मेदारियाँ डाली है तुम्हें पता है? सारा बोझ मैं ही उठाता हूँ। अरे रे रे, बहुत मेहनत की नौकरी लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है सपना, ओनर तो बैठ के काम करता है पर मैं आराम से सो के काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, भगवान की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई। वो भी सो के काम करने वाली। हाँ, हाँ। इतना ही नहीं सपना, 500 रुपए एडवांस भी दिया है। 500? हाँ, 1000 देने की बात कर रहा था, मैंने काफी नहीं है बोल के जिद पकड़ के 500 वसूल कर लिए। आप इंग्लिश बहुत कमाल की बोलते हैं। क्यों, इंग्लिश गलत है क्या? नहीं, गिनती में कमी है। ठीक है, अब मैं बाजार जाके राशन लेके आता हूँ, तुम जाकर लिस्ट बना कर लाओ। ठीक है। सपना भूख लग रही है, जल्दी आ रही हूँ। ये लीजिए लिस्ट और ये 250 रुपए। तो फिर बाकी के पैसे? पूरे पैसे एक ही दिन में खर्च कर देंगे तो कैसे चलेगा, थोड़े बचा के रखते हैं, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। सुनिए, आते समय राशन संभाल कर लाइएगा। ठीक है ठीक है।
हाय भाई, तुम्हें गॉगल लगा के स्टाइल बदल दिया। मुझे एक बस कंपनी में नौकरी मिल गई है। नौकरी? ओनर के बाद ओनर कहलाने वाली नौकरी है। सारी जिम्मेदारी मेरी, जो भी काम करना है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन। ओनर तो बैठ के काम करता है, तुम सो के काम करते हो, वही नौकरी है ना? या अच्छे से पता लगा लिया है भाई। उस नौकरी में तुझसे पहले भी कोई आया होगा ना? करेक्ट, कोई तो नालायक का बच्चा आया है। कौन होगा वो? वो नालायक का बच्चा मैं ही हूँ। उठ, चल राशन खरीदते हैं। ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे कपड़े दोबारा नहीं मिलेंगे। आपकी पसंदीदा साड़ी कम पैसे में, सांस्कृतिक त्योहार के लिए यकीन नहीं हो सकता आपको इतना डिस्काउंट। एक साड़ी खरीदेंगे उसके बाद दूसरी साड़ी मुफ्त। आइए आइए आइए, लीजिए अपनी मनपसंद साड़ी। आ जाइए आ जाइए। मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है, धोकर सुखाई है, इसलिए तब तक के लिए आपके कपड़े पहन लिए। ये क्या भाई, जिन पैसों से राशन खरीदना था उनसे तुमने साड़ी खरीद ली? वो जब से आई है एक ही साड़ी पहन रही है, बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं थी इसीलिए खरीदी। साड़ी का सेंटीमेंट ठीक है, लेकिन राशन का क्या? अरे सपना के पास 250 रुपए है ना, उससे मैं राशन खरीद लूंगा। आहा, तुझे देखकर मुझे भी जल्दी शादी करने का मन हो रहा है। कर लो फिर, देर किस बात की है? शादी करने के बाद इस साड़ी वाले ने डिस्काउंट बंद कर दिया, तो एक काम करता हूँ, पता लगा के आता हूँ। नहीं रहने दो सपना। अरे आप आ गए, पानी गर्म करने को रख दिया है, बस थोड़ी देर रुक जाइए। वो राशन मुझे दे दीजिए। ये क्या आप खाली हाथ आ गए? राशन कहाँ है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? 1 2 3 जो पूछा है उसका जवाब देने की बजाय ये क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, उठक बैठक। गलती की तो ऐसा करना चाहिए, तुम्ही ने कहा था ना। अब आपने कौन सी गलती कर दी? हमारे घर में हॉल है क्या? उस हॉल में एक झूला है क्या? उस झूले के ऊपर एक पैकेट है, जाकर लेके आओ। 8 9 15 16 ये क्या है जी? निकाल के देखो। 17 20 21 साड़ी। आहा, मुझे लगा कुछ और लेकर आए हैं। ये कहाँ से आई? अब वो मैं राशन खरीदने बाजार गया था ना, वहाँ एक आदमी एक साड़ी पे दूसरी साड़ी फ्री दे रहा था, तो उस साड़ी के लिए मैंने ये साड़ी खरीद ली। जब से तुम इस घर में आई हो बस यही साड़ी पहन रही हो ना, इसीलिए। कितना अच्छा काम किया है आपने। जो पैसे थे उससे ये साड़ी खरीद ली, अब खाने का क्या होगा? मुझे इतना कम अकल समझा है? तुम्हारे पास वो 250 रुपए है ना, उनसे राशन खरीद लूंगा। जाओ जाके पैसे लेकर आओ, बाहर चूल्हा जल रहा है, पानी उबल रहा है, जल्दी से पैसे लाओ। ऐसे क्यों देख रही हो, जाओ पैसे लेकर आओ। एक मिनट के लिए पकड़िए। तुमने क्या गलती कर दी? हमारे घर में कमरा है ना? हाँ। उस कमरे में पलंग है ना? हाँ। उस पलंग के नीचे एक पैकेट है। हाँ। जाकर ले आइए। 7 8 16 17 5 8 है। अच्छा, मैंने सोचा कुछ और है। वो बात नहीं है जी, आप कब से पुराने कपड़े पहन रहे हैं? आदमी है, 10 लोगों के साथ उठना बैठना होता है, और अब तो आप बस के ओनर भी बन गए हैं। हाँ, वो तो मैं हुई। तो फिर अच्छे कपड़े की एक जोड़ी होनी चाहिए ना आपके पास, इसलिए। कितना अच्छा काम किया, जो पैसे थे वो खर्च कर दिए, अब खाएंगे क्या? वो साड़ी खरीदते समय सोचना चाहिए था। हाँ, पैंट शर्ट तो जैसे मैंने मांगा था ना। तो क्या मुझे साड़ी चाहिए, ऐसा मैंने कहा था आपसे? अब मुझसे बहस मत करो, पैसे खर्च करने से पहले जरा सोचना चाहिए था ना। आप तो आगे पीछे सोच सकते थे ना। इन्होंने खर्च कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया, और मैंने खर्च कर दिया तो क्यों किया? छी, सुबह उठते उठते पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, आज का पूरा दिन खराब जा रहा है। क्या कहा? मेरा दिन ठीक नहीं है ये कह रही हूँ, क्या वो भी कहना गलत है? जाके 5 मिनट में राशन लेके आता हूँ। वैसे ये सब खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? टाइम ठीक नहीं है ऐसा कह रही थी ना, इसलिए वॉच को हिंदी सीखने भेज दिया। वॉच को हिंदी सीखने के लिए? मारवाड़ी के पास मैंने गिरवी रख दिया। ये क्या कर दिया आपने? अब तो आप इतने बड़े ओनर बन गए हैं, आपके हाथ में वॉच नहीं होगी तो? अरे मेरे हाथ में वॉच नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुझे टाइम देखना नहीं आता।
हेलो पीले शर्ट मैं वो हेलो वो बुला रहा है कौन मैं बहन जी आपको बुला रहे हैं मैं क्या सुनिए बुला रहे हैं हेलो साले साहब मैं हाँ हाँ तुझे ही बुला रहा हूँ मेरे प्यारे लाडले माता पिता अच्छे से है ना तुम्हारी बहन कैसी है नींद में भी मुझे ही याद करती है ना उससे बोल देना चिंता मत करे दशहरे में आ जाऊंगा इस बार सुहागरात मिस नहीं होने पाएगा पैसों की जरूरत हो तो फोन कर देगी पैसे भिजवा दूंगा ठीक है ना अपनी बहन से कहना चिमटी ने ऐसा पूछा है टाटा सी यू बाय बाय कौन था जी वो मुझे क्या पता कौन था भाई आपने बात तो ऐसे की जैसे आपका रिश्तेदार है ये सब जो है ना धक्का मुक्की करके बस में चढ़ते हैं जब खिड़की के बगल में सीट मिल जाती है तो कोई रंभा को तो कोई राधा को याद करके सो जाता है लेजी फेलोस अब जो मैंने उसे शौक दिया है ना उसकी नींद भाग जाएगी जब तक गांव नहीं पहुंचेगा ना सोचता रहेगा कि आखिर मैं कौन था जवाब नहीं मिलेगा उसे उसे कंफ्यूज करके तुम्हें आखिर क्या मिला मुझे क्या मिलेगा ये सब टाइम पास है भाई और उसके लिए मेंटल टेंशन आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है आज फिर जीने की तमन्ना है वो देखो वो एक बकरा है ना अभी उसे शॉक देता हूँ बस देखते जाना हेलो मैं भैया आपको बुला रहे हैं हेलो साहब कैसे हैं आपको पक्का मेरे गांव आना होगा आपकी बहन बाहर बैठकर आपकी राह देखती है आते वक्त मेरे लिए हीरो होंडा लेके आना और कुछ चाहिए होगा तो मैं फोन करूंगा पैसे लिफाफे में डाल के पोस्ट कर देना चलता हूँ बाय बाय सी यू टाटा कौन था वो तुम्हारा साला अरे काहे का साला एक आवारा आदमी है सालों से कोई काम धंधा तो करता नहीं है एक सिगरेट और कटिंग चाय पीकर आने वाली बस में बैठे लोगों को बिना मतलब तंग करता रहता है इसीलिए एक ही बॉल में सिक्सर मार दिया अब ये कौन था सोच के पागल होकर किसी बस के नीचे आकर मर जाएगा उसे कंफ्यूज करके तुम्हें आखिर क्या मिला उसका मेंटल ब्रेकिंग हमारा टाइम पास मिलेगा मुर्गा काटेंगे बनाएंगे चिकन खाएंगे कौन है जी वो उल्लू बनाने वाले को ही उल्लू बनाइए मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो प्राइमरी स्कूल में गिनती सीखते थे तब से वो मेरा दोस्त है समझे क्या आपसे बहुत छोटा लग रहा था वो चार साल एक ही क्लास में फेल हुआ है वो इसीलिए ऐसा रह गया वो मुझे कहानी सुना रहे हो अबे कहानी नहीं तो क्या तेरे लेवल का सिनेमा दिखाओ क्या मैं बस स्टैंड पर बैठ करके सिर्फ पंचायत करता रहता है और ऊपर से पेपर भी चाहिए चल भाई यहां से हाँ ये आखिरी वाला आ आ आ अरे अरे पानी 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 एक निवाला नहीं नहीं एक निवाला बस एक निवाला बिल्कुल नहीं एक निवाला कहकर सोने वाला खिला दिया अब मुझे अरे सच में ये आखिरी वाला है तू मेरी चोना है ना तू मेरी लाडली है ना मेरा बाबू है ना आ आ ये पापा ससुर जी आई मम्मी नहीं आई क्या पापा नहीं आई बेटा घर में सब ठीक है ना हाँ सब अच्छे ही है बैठिए आप बैठिए ना क्यों बेटी हाथों में चोट लग गई है क्या नहीं तो फिर तामाजी खाना खिला रहे हैं ओ दरअसल वो हाथों में मेहंदी लगाई है ना इसलिए हाँ ठीक है तुम्हारी शादी में कसर पूरी नहीं कर पाया था कल त्योहार है तो तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ लीजिए ये कपड़े आपने और माँ ने मिलकर खरीदे हैं क्या तुम्हारी माँ मेरे साथ शादी करने के बाद घर तो जरूर आई लेकिन मेरे किसी भी शुभ कार्य में मेरे साथ कभी नहीं आई आप और माँ साथ आकर जिस दिन कपड़े देंगे तब हम जरूर ले लेंगे अभी नहीं पापा ये क्या बेटी प्लीज सिद्ध मत कीजिए पापा ठीक है तुम जज की बेटी हो तुमसे बहस कौन कर सकता है खाना खाकर जाइएगा पापा नहीं बेटी मैं खा के ही आया हूँ ये सब नहीं चलेगा पहली बार आप हमारे घर पर आए हैं कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी आप बैठिए मैं अभी परोसती हूँ पापा ठीक है बेटी अरे बाप रे घर में तो आटा ही नहीं है जी उपमा का रवा नहीं चने का आटा नहीं चावल भी नहीं है तो अब क्या करें क्या करें
पापा गरम गरम उपमा बना दूं क्या? जो तुम्हें अच्छा लगे दे दो बेटी, खा लूंगा। ये तो सुबह की बनाई हुई इडली है, उपमा कहाँ से बनाओगी? अकल इस्तेमाल करके। ओहो हो, जब तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो उनका चश्मा छुपा दोगी? मैं क्या करती हूँ, बस देखते जाइए। उपमा बहुत स्वादिष्ट है। क्या हुआ पापा, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, सोच रहा हूँ कल तक खाना बनाना जिसे बिल्कुल भी नहीं आता था, आज इतना अच्छा उपमा कैसे बना लिया उसने। वैसे ये रवा उपमा जैसा नहीं है, थोड़ा वैरायटी जैसा है। ये रवा उपमा नहीं है पापा, इडली उपमा है। इडली उपमा? हाँ पापा, अब इस वक्त घर में कुछ भी नहीं था, पर सुबह की बनाई हुई इडली थी, मैंने उसी का इस्तेमाल किया और उससे उपमा बना दिया। कितनी समझदार हो गई हो तुम। ना समझने वाली अर्धांगनी हो और करोड़ों रुपए घर में हो तो भी जीवन नरक ही है, पर प्यार करने वाला साथ हो तो गरीबी भी स्वर्ग है, ये तुम दोनों ने साबित कर दिया। क्यों? हाँ? अपने गांव वाले दामाद के घर जाकर आ गए क्या? हाँ। कैसी है आपकी लाडली बेटी? तुम्हारी बेटी का संसार देखने लायक है, कितने अच्छे से घर का काम करती है वो, खाना भी कितना अच्छा बनाती है वो। अरे इडली को इस्तेमाल करके उसने उपमा तैयार किया। अरे रे 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 रे, मेरी जिंदगी में इतना टेस्टी उपमा मैंने कभी नहीं खाया। सुपर, सुपर से ऊपर। क्या मुसीबत है, आपको हमारे घर में खाना नहीं मिलता क्या, जो वहाँ जाकर पेट भर कर ठूस के आ रहे हो? हाँ हाँ, मैंने तो ठूस लिया, लेकिन तुम्हारे लिए भी पार्सल लेकर आया हूँ, अपनी माँ को देने के लिए तुम्हारी बेटी ने प्रेम से भिजवाया है। जानवर भी नहीं खाएंगे ये खाना, हम क्यों खाएं? तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, सारा मैं ही खा लूंगा। रोज तुम्हारी बनाई हुई चपाती से तो अच्छा है आज एक दिन छुटकारा मिल जाएगा मुझे। इतना पढ़ा लिखा खानदान है हमारा, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें करते हो। तुम चाहे कुछ भी समझो, रोज तुम्हारे हाथ की रोटी और तुम्हारी डांट खाने की आदत पड़ गई थी, पर एक बात याद रखना, भानु प्रसाद को तुम यहाँ बैठकर गुस्से में जितना मर्जी कोस लो, खुद को तकलीफ दे दो, लेकिन भानु प्रसाद तुम्हारी बेटी की महारानी की तरह देखभाल कर रहा है। कुछ भी कहो, महान लोग महान ही होते हैं। ठीक है अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। बेटी की महानता और दामाद की महानता आपको ही मुबारक हो, बेकार की बेटी और बेकार का दामाद। जाइए अब जाकर सो जाइए। ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या है? उस घर का मर्द मर्द है और औरत देवी है। पियो पियो। शिव के मंदिर में शनि से अच्छा पब्लिक में खाने वाला वंश है हमारा, पर तुम्हारा वंश तो चोरी छुपे खाने वाला वंश है। इसी तरह तुम्हारी छुप के खाने की आदत गई नहीं। वो सब ठीक है, उपमा स्वादिष्ट है ना? बहुत ही स्वादिष्ट है। मान लिया ना, खाओ। प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तुम कार में बैठो, मैं कोई मैकेनिक को लेकर के आता हूं। हेलो, आप इसी गांव में रहती हैं क्या? सुना है कि भानु और आपने शादी कर ली, शादी के बाद सारी सहूलतें मिलेगी, गाड़ी बंगला, यही सोचा होगा ना? लेकिन नंगे पांव क्यों जा रही हो? शादी के बाद हर लड़की का सरनेम बदल जाता है, पर तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम तो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही थी ना, उसका क्या हुआ, बन गई क्या? कम से कम अब तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा
कि मैंने भानु से क्यों शादी नहीं की। उससे शादी की होती तो आज मैं तुम्हारी जगह इसी तरह गांव में पानी भरती घूम रही होती। तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो, बस यही बताना चाहती थी मैं। कोई कुछ भी कहता तो मैं दुखी नहीं होता, पर जिसके सामने सर उठा के जीने का सोचा था उनसे ही मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। मैं अनपढ़ हूं, मूर्ख हूं, सच है, पर तुम पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों मूर्ख हो रही हो? बचपन से तुमने कलेक्टर बनने के सपने देखे हैं। तुम्हारा सपना सच होना चाहिए, तुम्हें कलेक्टर बनना चाहिए, लोगों के सामने तुम्हें मेरा मान बढ़ाना चाहिए। मेरे कलेक्टर बन जाने से अगर आपको गर्व होगा तो मैं आगे जरूर पढ़ूंगी, पर आईएएस की पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। कितना भी खर्चा होने दो, परवाह नहीं है, मेरे अंदर शक्ति है, हाथों में ताकत है, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें कलेक्टर बनाऊंगा। देखा, छिपकली ने हाँ कर दिया। हाँ करने वाली छिपकली नहीं, ये दुलैया ने। शादी के बाद पत्नी को अपने बच्चों की माँ बनाने वाले पति को तो देखा है, लेकिन पत्नी को कलेक्टर बनाने वाला पति पहली बार देख रहा हूँ, और वो तुम हो। सच्चे मर्द ही नहीं हो, अच्छे पति भी हो। मुझे फूल दीजिए बहन। मोगरे का दूं या चमेली का दूं बेटी? मोगरे का दे दीजिए। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। रॉन्ग काउंटिंग, जीरो से शुरू करो। अरे छोड़िए, आपको लगता है कि अगर हमको गिनती नहीं आती है तो आप भी उठक बैठक कर सकते हैं हमारे साथ? वो क्यों उठक बैठक करेंगे, झूठ बोलने वाले आप हैं। क्या कहा था, ओनर बैठने वाला काम करते हैं और ये सोकर काम करते हैं। एक, दो, तीन, चार। क्या है, सिनेमा देख रहे हो क्या? जाओ यहाँ से, चलो निकलो। चलो। हाँ, ठीक से काम नहीं करता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? निकाल के फेंकते हैं, देते हैं। आप इतनी मेहनत वाला काम करके परिवार बसाएंगे क्या? मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उससे क्लीनर नहीं तो क्या ओनर बनूंगा? क्यों नहीं बनेंगे, हमारे पास सिर्फ पैसे नहीं है पर हम मेहनत तो कर सकते हैं ना, क्या हमारे पास दिमाग की कमी है? बिल्कुल सही बोला तुमने बेटी। वैसे पुरानी बस बेचनी है बताया था ना, वो तुम खरीद सकते हो ना? सिटी बस में टिकट खरीदने के पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं कि सिटी बस ही खरीद लूं। देखो बेटा, पैसों के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो, तुम्हें कितना चाहिए मुझे बताओ। अरे ऐसे ही नहीं दूंगा ना, उधार समझ के ले लो, जब होगा तब दे देना। क्या सोच रहे हो बेटा, मतलब तुम आज तक मुझे पराया समझते रहे? इतने दिनों से मैं तुम्हारा अपना था, मैं तुम्हें अपना ही समझता रहा आज तक, लेकिन अब ये रिश्ता भी नहीं है हमारे बीच तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं चलता हूँ बेटी। हाँ? रुकिए अंकल, सुनिए, अंकल इतना कह रहे हैं तो मना करना अच्छा नहीं लगता, इनका पैसा ब्याज के साथ हम वापस कर देंगे। इतना अच्छा मौका हमारे पास खुद चल कर आया है, उसे गवाना समझदारी नहीं होगी, प्लीज। ठीक। भगवान करे कि आपको इस व्यापार में बहुत फायदा हो। प्यारे पैसेंजर लोगों, आज जो आप इस बस में बैठे हैं ये कोई मामूली बस नहीं है। कोई भी बस हमारी बस के सामने कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए आज से इस बस में एक स्पेशल इफेक्ट लगाया गया है। डिलक्स बस में डिलक्स सुंदरी। लेडी कंडक्टर। यस, असल में बस का ड्राइवर कोई बॉलीवुड की हीरोइन या साउथ की हीरोइन रखने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अगर वो ड्राइवर होंगी तो रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ कंडक्टर ही अरेंज किया है। कंडक्टर कलंकिता, बस के भाइयों के लिए अंकिता। अरे लड़की अब जा, काट एक का टिकट। कहाँ का काटूं? लॉज में। एक टिकट पेटा पाड़ू का दे दो। पेटा पाड़ू का टिकट 4 रुपए का है, उसके बाद जो स्टॉप है पाड़ू पेड़ा उसका टिकट 6 रुपए का है। इस रेंज में टिकट होगा ना तो हमारा वर्कआउट नहीं होगा।
देखिए टूरिस्ट, पेटा पाड़ो जाके कहाँ जाएंगे? पुराने घर जाऊंगा। अरे मेरे भाई, अरे कब तक वो पुराना घर और पुरानी बीवी है? पहली क्लास में तुम कब तक पढ़ते रहोगे? दूसरी क्लास में नहीं जाओगे? दूसरी फैमिली नहीं शुरू करोगे? अरे संभल के। पेटा पाड़ू नहीं, पाड़ू पेटा का दे दो। सडन ब्रेक ने इसे जन्नत की सैर करा दी। वाकई आपका कहाँ का काटू? पेटा पाड़ू का काटू। पेटा पाड़ू जाएंगे? हाँ, पहले पाड़ू पेड़ा जाऊंगा, फिर रिटर्न में आते समय पेटा पाड़ू में मैं उतर जाऊंगा। ये टूरिस्ट नहीं है, ये फुल अरेस्ट है। क्या कर रहे हो? तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारे हो और तुम भोली हो। तो अब जेब खोली जाए, टिकट भी ले ली जाए। वेरी गुड। रोमांचक पैसेंजर होने की वजह से यहाँ के इस बस में चींटियों को भी सीट नहीं मिल रही है। सुनो सुनो। Tell me why. पेटा पाड़ू एक टिकट। ओके, पेटा पाड़ू एक। अब मुझे भी एक टिकट देना। तो हंसते हुए 40 रुपए दे दो भाई। 10 की जगह 40 रुपए मांग रहे हो? वहाँ देखो, देखो ये अन्याय है। दुनिया में एक के साथ न्याय करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय करना ही पड़ता है। ऊपर से ये डिलक्स बस है और डिलक्स सुंदरी कंडक्टर। जल्दी दे दो, जल्दी दे दो टिकट। आ गए रास्ते पे। ये लो 10 रुपए और ये लो टिकट। अब जाओ, लैक टिकट बुकिंग क्लोज, चलो जाओ। अरे साहब साहब, अर्जेंटली राहुल पाली जाना है, एक टिकट दे दो। टिकट तो आज दे दूंगा पर सीट आज नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलो साहब, कल तक जाऊंगा कि नहीं पता नहीं, आज ही सफर करना है साहब। वो लाइन देख रहे हो, उन लोगों ने आज के सफर के लिए कल ही एडवांस बुकिंग करा ली थी। और ये लाइन देखो, ये सब के सब कल के सफर के लिए आज ही एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। सीट नहीं है, आप जाइए यहाँ से। सीट नहीं है तो आज और अभी इधर ही इस लक्स सुंदरी बस के नीचे आके मर जाऊंगा। क्या कहा? इस बस के नीचे आके मरने वालों का क्यू वहाँ पे है, आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाइए। जब आपका टाइम आएगा तो आपको बिना बताए हम धक्का दे देंगे। ये पाप का पैसा अपने सर पर रख लो। आप लेडी कंडक्टर रख कैसे सकते हो? ये बस मेरे पिताजी के नाम पर चला रहा हूँ, उनके नाम को डुबाना नहीं है। आप पर भरोसा करके फायदा नहीं। इस बस कंपनी को कैसे ऊपर लाना है मुझे अच्छी तरह पता है। सुनो भाई, एक मिनट, हम सूर्यपट्टनम से आए हैं, कलेक्टर जी से मिलकर ये पिटीशन देनी है। इतने सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कोई दो लोग ही जा सकते हैं। वैसे भी मैडम डिस्कशन में बहुत बिजी हैं। उनसे कहिए कि हरिश्चंद्र प्रसाद जी आए हुए यहाँ। ठीक है, नाम चिट्ठी में लिख दीजिए। नो नो, पॉलिटिकल प्रेशर की तुम्हें केयर करने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए जरूरी है। आप बेझिझक इन सब पर एक्शन ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम, वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस। मैडम, सूर्यपट्टनम से कोई आपसे मिलने आया है, उन्हें कोई पिटीशन देनी है। उन्हें वेट करने के लिए कहिए, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है मैडम, ये चिट्ठी। शंकर जी। मैडम, उन्हें जल्दी से अंदर भेज दीजिए। ठीक है मैडम। आप थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे, उनसे बात करने के बाद बुलाती हूँ। ठीक है मैडम। नमस्कार। नमस्ते। 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 बैठिए ना। अपने पिता के खिलाफ जाने वाला ये एक नालायक बेटा है और इससे शादी करने वाली ये एक नालायक औरत है। ये दोनों कैसे जीते मैं भी देख लूंगा। तो आपके गांव से सागर डैम तक पानी छोड़ने के लिए आपने पेटिशन दिया है। आप बैठिए ना प्लीज। आपके एरिया से जाने वाले पानी को हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है। आपके यहाँ साल में 5 महीने पानी छोड़ना चाहिए और रूल के हिसाब से छोड़ा गया है। आपने कहा वो सच है, पर तूफान की वजह से फसल बर्बाद हो गई, इसलिए फिर से बीज बोए। अगर डैम का पानी छोड़ेंगी तो खेतों में इस्तेमाल होगा। सच है, पर रूल्स के खिलाफ जाकर सिर्फ आपके गांव में पानी छोड़ना ठीक नहीं होगा ना? एक मंडल कहना ठीक नहीं होगा। उस मंडल में 54 गांव हैं, उन गांव में 2 लाख लोग रहते हैं। उनकी भूख के बारे में सोचिए।
आपने जो कहा है मैं समझ रही हूँ, पर इस समस्या को एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं लॉयर सुमित्रा बात कर रही हूँ। कल 15 को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हें अपने पति के साथ आना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, उस दिन मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे पति मंदिर में जाकर उनके नाम पर पूजा करते हैं, तो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट्स ओके, हाउ इज योर सन? मेरा बेटा, ही इज वेरी फाइन। बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है वो, रूप में गुणों में बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। कुछ खास लोग आए हुए हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू। आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिविजन इंजीनियर या मिनिस्टर जी से कंसल्ट करूंगी, मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूंगी। ओके, नमस्ते। नमस्ते। कुछ भी कहिए, कलेक्टर जी बहुत समझदार हैं। वहां पे अधिकार और यहाँ पे संस्कार दोनों एक साथ निभाया उन्होंने। मैं सब कुछ देख रहा था मालिक, जिला कलेक्टर का काम भी किया उन्होंने, और आपकी बहू होने के नाते आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद भी लिया। मैं आपके गौरव को बचा नहीं पाया पिताजी, तो आपकी जायदाद पर मेरा क्या? चले जाओ, जाकर कहीं बेकार सी जिंदगी बिताओ, जाओ। इस साल अपने स्कूल का जूनियर कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे रे रे रे। अरे रे, तुम्हें आते हुए नहीं देखा बेटा, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, कोई ऐसे जानबूझकर रिंग थोड़ी छिड़कता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिल। सूर्यवंशम परिवार के बच्चे की सोच बड़ी ही होगी, कभी छोटी नहीं हो सकती है मालिक। जी मालिक, वो बच्चा अपने भानु प्रसाद का बेटा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हरिश्चंद्र प्रसाद। हरिश्चंद्र प्रसाद? जोर से मत बोलिए, ये मेरे दादाजी का नाम है, उन्हें कोई भी नाम से नहीं बुलाता। हाँ, तुम्हारे दादाजी इतने महान है क्या? तो फिर क्या समझते हैं, उनसे पूरा गांव डरता है। लगता है आपको उनके बारे में पता नहीं है, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। तुम्हें उनके बारे में पता है क्या? मुझे भी नहीं पता। हाथी 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 पे बैठो। आओ, हाथी 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 हाथी। देखो भाई, इस लड़के को हाथी पे बिठाओ। संभल के। वैसे मेरे लिए ये सब क्यों किया आपने? आप कौन है? दोस्त हूँ समझो। दोस्त मतलब फ्रेंड? मतलब आप मेरे फ्रेंड हैं? हाँ। ओके फ्रेंड, मेरी बस आ गई, अब मैं चलता हूँ, बाय। नमस्ते। बैठिए।
आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। बोलिए। उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है, वो एक महीने से घर पर ही बैठे हैं। आपकी शुगर फैक्ट्री में मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है, मैंने पेपर में ऐसा ऐड पढ़ा था। अब वो नौकरी अगर आप इन्हें दे देंगे तो हम पर बड़ा एहसान होगा। सपना, तुम जाके इनके लिए कॉफी लाओ। मेरी कंपनी में आपके पति काम करे, इससे आपको छोटा फील नहीं होगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल ही ऑफिस भेज दीजिए, अपॉइंट कर दूंगा। थैंक्स। मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। देखा तुमने, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। अनपढ़ समझ कर जिस आदमी को तुमने ठुकरा दिया था, आज उसी के पास अपने पति के लिए नौकरी मांगने आई हो। उस दिन उनका परिचय करवाने के लिए भी तुम्हें शर्म आ रही थी, और आज देखो, उसी इंसान से मिलने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। नकारा बेकार कहकर जिसका तुमने अपमान किया था, आज वही इंसान कितने MBAs को नौकरी दे रहा है पता है तुम्हें। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती, किसी भी इंसान को छोटा समझना गलत है, बस ये कह रही हूँ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ऐसा कहते हैं, पर एक कामयाब औरत के पीछे किसी आदमी का हाथ होता है ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, पर ऐसा मैं कह रही हूँ। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पति हैं। अब बोलो, मैं पढ़ी लिखी मूर्ख हूँ या फिर तुम पढ़ी लिखी मूर्ख हो? मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। तुम्हारे पति को नौकरी मिल जाएगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अच्छा है ना? ये भी खाओ। बस हो गया फ्रेंड। फ्रेंड फ्रेंड, आज भी हाथी आएगा क्या? अभी तुम्हें हाथी पर बैठना है? हाँ। ये क्या फ्रेंड, एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? अभी मैं फ्रेंड नहीं हूँ, हाथी हूँ। तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। हाँ, हाथी हाथी हाथी। हाय हाय, हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, चल मेरे हाथी। हाथी पर बैठा मेरा साथी, हाथी पर बैठा मेरा साथी। बस बहुत हो गया फ्रेंड, मैं उतर जाता हूँ। फ्रेंड, ये मोतीचूर के लड्डू मैं घर लेकर जाऊं? लेके जाओ। मेरे डैडी को ये मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। तुम्हारे घर में और कौन रहता है? मेरे डैडी, मेरी मम्मी। क्यों, तुम्हारे दादा दादी नहीं रहते? वो मेरे दादाजी और पापा के बीच फाइट हुई थी, मेरे दादाजी ने मेरे पापा को घर से निकाल दिया था। तुम्हारे दादाजी इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं। मेरे डैड स्कूल जाने के बजाय गोटी और गिल्ली डंडा खेलते थे। तुम ही बताओ फ्रेंड, मैं भी पढ़ाई नहीं करूँगा और बैड बॉय जैसे घूमूंगा तो मेरे पापा भी गुस्सा होंगे ना। मेरे दादाजी को देखने का बहुत मन करता है फ्रेंड, पर मुमकिन नहीं है। क्या करूँ फ्रेंड, नसीब होना चाहिए ना। बस का टाइम हो गया फ्रेंड, कल मिलते हैं। हाँ, टाटा बाय बाय। डैडी, आपको मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना? ये लीजिए, खाइए। इनका स्वाद तो मेरी माँ के लड्डू जैसा है। आपकी मम्मी कैसे बना सकती है, ये तो मेरे फ्रेंड ने दिया है। फ्रेंड मतलब क्लासमेट? नहीं डैडी, वो मेरे बड़े फ्रेंड हैं, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी मूछें भी हैं। मूछें भी हैं क्या? इतना बड़ा फ्रेंड कौन है? आपको पता नहीं है, कुछ दिन पहले ही उनसे दोस्ती हुई। कैसे दिखते हैं?
लगी है हा? ऐसे दिखते हैं मेरे फ्रेंड। डैडी बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। नहीं, मैं इनके जैसा दिखता। देखो बेटा, तुम्हारे फ्रेंड हमारे लिए भगवान के समान है। उनसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करना। कल से जब भी दिखाई दे दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करना। समझ गया ना बेटा? ठीक है डैडी। गुड। ससुर जी, आपके लिए ही वेट कर रही थी। आपके बेटे ने गरीब जनता के लिए एक मुफ्त हॉस्पिटल बनवाया है। उसका उद्घाटन कल ही है। उस हॉस्पिटल को आपका ही नाम दिया है उन्होंने। उस हॉस्पिटल का उद्घाटन अगर आपके हाथों होगा तो हमें अच्छा लगेगा। पत्रिका घर आकर देना चाहती थी, पर घर पर आने से ससुर जी ने मना किया है ना, इसलिए उनकी बात का मान रखते हुए यहाँ मंदिर में आकर दे रही हूँ। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। लीजिए ससुर जी। राजू रोड पार करके 20 पुल और पेड़ पार करता है। सुनो, भानु के बनाए हुए हॉस्पिटल का आज ओपनिंग है। अगर पिताजी पूछे ना तो उनसे कह देना कि मैं शेविंग करवाने के लिए सैलून में गया हूँ। सुनो, मैं भानु के फंक्शन में जा रहा हूँ। पिताजी से कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ, ठीक है? जो व्यक्ति दूसरों को मान सम्मान देता है उसे भी मान सम्मान मिलता है। और मैं भानु प्रसाद चाचू के हॉस्पिटल के पास जा रही हूँ। अगर दादू पूछे शेविंग करवाने गई है ऐसा कहेंगे। मैं दाढ़ी कैसे करवा सकती हूँ? मंदिर गई हूँ ऐसा कहना। ठीक है दादी। पुत्र का स्नेह अपने पिता का पुत्र बनने से ही शुरू होता है। पिता का स्नेह पुत्र के जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है। ये क्या, घर पूरा शांत है? घर में कोई नहीं है क्या? पापा और छोटे पापा शेविंग करवाने के लिए गए हैं। मेरी मम्मी और इसकी मम्मी अपनी मम्मी के घर गई हैं। दादी मंदिर गई हैं दादाजी। ठीक है, मैं खेतों में जाके आता हूँ। दादी ने पूछा तो कहना दोपहर खाने पे आऊंगा। ठीक है दादाजी। दादाजी तो खेतों में जा रहे हैं, उन्हें शेविंग करवाने जाना चाहिए ना। दादाजी सुनिए। सुनिए, टाइम हो गया है, अब तक ससुर जी आए नहीं। जरूर आएंगे, मुझे पता है। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हेलो। पिताजी नहीं आएंगे लगता है। अब उद्घाटन कैसे होगा? रुको भाई, मैं देखता हूं। सबको मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए हमारे हरिश्चंद्र प्रसाद जी आने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें कोई काम आ पड़ा है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। जिसका उन्हें खेद भी है, वो बड़े आदमी है, इसलिए उनके बिना हॉस्पिटल का उद्घाटन रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन उनके पोते हरिश्चंद के हाथों करवाया जाए, और वो यहाँ मंच पर इस समय हम लोगों के साथ उपस्थित भी हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। तो उनकी जगह पर हॉस्पिटल का उद्घाटन चिरंजीवी हरिश्चंद्र जी के हाथों होगा। सबको मेरा नमस्कार। अभी जज साहब ने कहा कि मैं बदल गया हूं। कितने लोगों के लिए मैं आदर्शवादी हूं ऐसा उन्होंने कहा।
पर मैं भी एक समय बेरोजगार घूम रहा था। तब मेरे पिताजी कहते थे, धोखे से कमाया पैसा जलसा करने वाले हमारे वंश का नहीं है, मेहनत का पैसा कमाना चाहिए। मेहनत से काम करने वाले को देखकर लोगों को वाह वाह करना चाहिए। 10 लोगों के साथ जीना महानता नहीं है, 10 लोगों में तुम भी हो ये याद रखना महानता है। उनके कहे हुए शब्द ही मेरी कामयाबी की सीढ़ी बने और यह हॉस्पिटल बनवाने की वजह भी। जंगल से डरने वाला शेर शेर नहीं बन पाता, पिघलने से डरने वाला सोना कभी जेवर नहीं बन सकता। उसी तरह माँ बाप की मार या डांट खाए बिना कोई बेटा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे जैसा बेटा होना मेरे पिताजी का नसीब है? नहीं, उनके जैसा पिता मिलना मेरा नसीब है। क्या लोग थे, क्या तालियां थी। किसके बारे में बात कर रही हूँ? वही हमारे भानु प्रसाद के हॉस्पिटल का उद्घाटन था ना, उसी के बारे में बात कर रही। ओहो, तुम जाके आई हो क्या? मैं क्यों जाऊंगी, बगल वाली श्री महालक्ष्मी गई थी ना, उसी ने बताया। कहते हैं भाषण में वो बार बार आपका ही नाम ले रहा था, कह रहा था अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार बनवाया है, वो बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए, उनके आशीर्वाद की शक्ति से ही ये संभव हो पाया है। वो और कुछ भी कह रहा था। हाँ, जंगल से डरने वाला लोमड़ी नहीं बन पाता, वो क्या? अरे ऐसा नहीं था, जंगल से डरने वाला शेर शेर नहीं बन पाता, पिघलने से डरने वाला सोना कभी जेवर नहीं बन सकता, ऐसा था। हाँ। वैसे ये आपको कैसे पता? कैसे मतलब, वो तो बड़ों की बोली हुई बात है, कोई भी बोलेगा तो बात बदलेगी क्या, कैसे बदलेगी। क्या हुआ, ऐसे शक की नजरों से क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, भाषण में गई हुई श्री महालक्ष्मी जी ने जो सुना वो वैसा नहीं बता पाई, आपने इतने अच्छे से बता दिया, कहीं आप भी तो भाषण में नहीं गए थे वहाँ। मैं क्यों जाऊँगा, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? आज शनिवार है, खेतों में मजदूरों का हिसाब देखने के लिए मुझे जाना था। हाँ, आपके पास कहाँ वक्त है कि आप वहाँ भाषण सुनने जाएं, लेकिन आपने इसे वहाँ भेज दिया था। अरे मेरा गमछा। श्री महालक्ष्मी जी को भाषण वाली जगह पर ये मिला, उन्होंने हिला कर दिया। अरे ये वहाँ पर कैसे गया? कैसे गया होगा, कबूतर लेकर गए होंगे। कबूतर कबूतर पापा चोर कबूतर। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। आज तो संडे है ना, स्कूल भी नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हो? हाँ, स्कूल बुक्स उठाने के लिए गधे को खरीदने जा रहा हूँ। ओहो, इतना बड़ा हो गया हमारा बेटा। तो फिर क्या कहूँ मम्मी, काम से बाहर जाते समय कहाँ जा रहे हैं ऐसा नहीं पूछना चाहिए ना, ये भी आपको नहीं पता है क्या? क्यों रे, तुम्हारे फ्रेंड से मिलने जा रहे हो? नहीं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। ए, उनके बारे में इज्जत से बात करना चाहिए, बोला था ना, गाल पे मारो। वेरी गुड, ये लो। ये क्या है? मिठाई, रोज तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें स्वीट देते हैं ना, आज तुम ये मिठाई उन्हें दे देना। ओके डैडी, बाय बाय। हर रोज इसी वक्त ये कहाँ जाते हैं? बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, डिगी डिगी डम डम। हाय फ्रेंड। हाय। फ्रेंड, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? किसने कहा? मेरे डैडी ने। वो लड़का हमारे भानु भैया का बेटा है मैडम, बड़े साहब उससे मिलने के लिए रोज यहाँ पर आते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या क्या कहा? आप भगवान के समान हैं, आपको देखते ही आपके सामने हाथ जोड़ने को कहा है। नमस्ते फ्रेंड, मिठाई खाओ ना फ्रेंड। मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, घर जाके खाऊंगा।
चल। मिठाई याद से खा लेना हाँ, मैं चलता हूँ फ्रेंड। दादाजी, पता नहीं क्यों पर ऐसा कहने का मन किया, इसीलिए बुला लिया, फिर से नहीं बुलाऊंगा। तुम हमेशा मुझे दादाजी कह के पुकारना। ठीक है। किसी को फिट आया लगता है बेचारा। ड्राइवर कार रोको। आराम से। आराम से। आप भगवान बनकर आए और मेरी रक्षा की, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, संभल के जाना। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलते हैं। गलती कर दी रे मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी पापा? लोग खीर में दूध डालते हैं, मैंने पॉइजन क्यों डाला? हाँ, अब अगर उसे हरिश्चंद्र प्रसाद ने खा लिया तो फिर क्या होगा? वो मर जाएगा। हे भगवान, तो वो इल्जाम भानु प्रसाद पे आएगा? हाँ, आएगा। इसका मतलब मैंने सेंटर देख के ही सेंट लगा दिया है। अब देखना उस बाप बेटे की कहानी कैसे खत्म होती है। ये आप कहाँ से लेकर आए? बोला ना, एक दोस्त ने दिया है। दोस्त मतलब बचपन का दोस्त है क्या? नहीं, बच्चा दोस्त। ओहो। अपने दर्द को सीने में छुपा सकते हैं पर अपने प्यार को आंखों में नहीं छुपा सकते। और आप क्यों छुपाना चाहते हैं? अपने पोते से चोरी छुपे क्यों मिलने जाते हैं? पोते से मिलना चाहते हैं अगर ऐसा एक बार आप भानु प्रताप से कह दें तो क्या वो उसे यहां लेकर नहीं आएगा? एक दिन भानु प्रसाद मेरा बेटा नहीं है ऐसा कह दिया था आपने, आज हरिश्चंद्र प्रसाद का बेटा भानु प्रसाद का कहने की बजाय भानु प्रसाद के पिताजी हरिश्चंद्र प्रसाद है ऐसा लोग कहने लगे हैं। इससे ज्यादा एक बेटा अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता है बताइए तो? पढ़ाई नहीं की, वंश की प्रतिष्ठा को बचा नहीं पाया, लेकिन बस से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह आप ही का नाम है। आपका नाम कितना बढ़ाया, आपकी इज्जत बढ़ाई है उसने। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं कि हमें जायदाद में क्या मिलने वाला है ये बताइए, लेकिन मेरा गौरव सम्मान सब कुछ मेरे पिताजी हैं ऐसा भानु प्रसाद का कहना है। इतने सालों से परायों की तरह उसे दूर रखा आपने, अब तो अपने बेटे को घर बुला लीजिए। क्यों इतना सोच रहे हैं, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? सुनिए, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो इस गांव के लोग अनाथ हो जाएंगे, गांव बिना दिए के मंदिर जैसा हो जाएगा। वैसे उसमें जहर आया कैसे? भानु प्रसाद ने मिठाई में जहर मिलाया था। क्या कहा? भानु ने? छी, कोई बेटा अपने पिता को जहर नहीं दे सकता। अरे जुबान कट जाएगी, कुछ और बोल। हाँ जी, बड़े साहब ने उन्हें घर से निकाल दिया इसीलिए उन्होंने ये सब किया। जनता के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, बस सर्विस चलाई ताकि किसी को शक ना हो। बकवास कर रहे हो तुम, सेंट का सुगन जी ने नहीं पता, वो गधे होते हैं। इसकी बात पर तुम ध्यान मत दो, मैं नहीं मानता। किसी को कुछ बोलना है? गलती करता तो यहाँ पर आता ना, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? अरे उससे छुपने की क्या जरूरत पड़ गई, वो आया ही होगा। कहाँ है वो? वो नहीं आया। हाँ, तो फिर कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है।
पुतलू को क्यों आए हो यहाँ? ससुर जी जिंदा है या नहीं ये देखने आए हो क्या? पिताजी को जहर देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम उनके बेटे नहीं हो, खूनी हो। मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अपने पिताजी को जहर क्यों दूंगा? हे भगवान, ये तो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। ऐ, उस बच्चे को यहाँ लेकर आओ। अरे रे रे रे, आओ बेटा, आओ बेटा, एकदम अपने बाप के जैसा दिखता है। क्यों बेटा, दादाजी को वो खीर तुमने ही दी थी ना? हाँ। और वो खीर तुम्हें किसने दी थी? मेरे डैडी ने। हाँ, सुना आप लोगों ने, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मुझे पता है, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलता है। मेरे डैडी ने ही वो खीर दादाजी को देने के लिए कहा, ऐसा ये बच्चा साफ साफ कह रहा है। अरे इससे बात क्यों कर रहे हो, ऐसे आदमी को सबक सिखाओ, जाओ इसे पंचायत में लेके चलाओ। चलो मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर दुश्मन भी हो और मुसीबत में हो तो उसकी मदद करते, पर किसी को मारने की आदत नहीं है हमारे वंश की। वो खीर मेरे बेटे ने दी थी ये सच है, पर उसमें जहर मिलाने वाले तुम हो। फिट आने वाले की मदद करने के बाद जब मैं वापस कार में बैठने के लिए आया, तब मुझे गुलमोहर का सुगंध आया। इस गाँव में वो सेंट लगाने वाले सिर्फ तुम हो। मुझे तभी शक हो गया था, पर मुझे लगा शायद गलती हो गई। मेरा बेटा मार खाने वालों में से नहीं है, गलती करने वालों के वो सर काट देता है। भानु,